Hi guys, good evening. How are you? Thank you so much for coming. I can see like 19 people are already waiting. तो बहुत बहुत amazing session होने वाला है guys. तो सबसे पहला काम करो, जिन्होंने अभी तक इस video को share नहीं किया है वो share कर लो. होने क्या वाला है आज, मैं आपको बता देता हूँ. पहले आज ये होने वाला है कि आप लोगों का सवाल आता था सर बायो में एनसीईआरटी से ज़्यादा कितना पढ़ना है. तो ये 3 घंटे बस आपको बायो में एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना है. पूरे एनसीईआरटी के बाहर जितना कंटेंट था उनको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में एक एसेंस बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ. इससे बाहर अगर एनसीईआरटी के आपके कुछ आ गया एग्जाम में तो आप मेरा नाम बदल लेना. तो 100% आपको एनसीईआरटी के बाहर जो भी पढ़ना है ये 3 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा. तो किसी को अभी 3 घंटे तक हिलना भी नहीं है, क्योंकि आपके नीट के 30 नंबर इस 3 घंटे पर डिपेंड करते हैं. तो 3 घंटे तक आप ये पूरा सेशन देखेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी के बाहर क्या पढ़ना है, और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जो भी टफ क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट हो सकता था, जितने कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे पिछले 10 साल में, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से इनडायरेक्टली आए हैं पिछले 10 साल में, हम वो सारे के सारे आज करने वाले हैं. बट आपका सपोर्ट चाहिए गाइज मुझे. मैं 3 घंटा आपके लिए लगातार क्लास ले रहा हूँ, तो आई नीड एटलीस्ट 200 पीपल हियर. तो सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, अभी के अभी शेयर करो, ठीक है. चलो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन. तो सब एक बार हेलो बोलो एंड टेल मी हाउ इज द जोश. जल्दी जल्दी सबका रिस्पॉन्ड दो भाई. हेलो गाइस, चलो 44 पीपल आर ऑलरेडी हियर. वेरी गुड गाइस. चलो चलो गाइस, कौन कौन आ गया जरा देखें. हाय दीपक, पीयूष, दूध किला, वशीम, जैशा, हर्ष, मनमीत, प्रेरणा, दीपिका, मानवी, अनुराधा. हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस. गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है. आज हम लोग एक बहुत अमेजिंग सेशन आज बनाने वाले हैं, ठीक है. विल क्रिएट अ लैंडमार्क, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ना ही कहीं पे और मिलेगा. मतलब कहीं भी आपको इतना एसेंस या इतना कंपाइल्ड. मैं बस आपके साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और उसी 75 क्वेश्चन के टॉपिक्स. तो मेरी एनर्जी आपके नंबर पर डिपेंड करती है, तो जितना ज़्यादा नंबर में रहेगा मैं उतना एनर्जेटिकली आपको पढ़ाऊंगा. तो 3 घंटे हमें साथ रहना है, और 3 घंटे में हमें नीट का स्कोर 30 में बूस्ट करना है, ठीक है. तो गाइज जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं. चलो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते, गाइज मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है. मैंने अपनी MBBS वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की थी. मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था. और मैं पिछले 4 सालों से आपको नीट और एम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ. मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है. मेरा ये मानना है आप जितना कम जानोगे उतना अच्छा है आपके लिए. आपको कितना कंस्ट्रक्टिव जानना है. अगर आप कम पढ़ के नीट में अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप कम मेहनत करके नीट और बायो में फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे जरूर पढ़िए, ठीक है. तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन. जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं किया, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो. यहाँ पे आपको बहुत 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 सारे PDF, जैसे इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस के PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो इस चैनल को आप जरूर से जरूर इंस्टॉल करो गाइस, ठीक है. चलो चलो अगला. बाकी गाइज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ जहाँ का नाम है अनअकैडमी प्लस. नॉइस अनअकैडमी प्लस पे आपके लिए एक और अमेजिंग चीज़, मतलब इसी तरह के कंटेंट. आप सोच लो हम लोग यूट्यूब पे आपको जब इतना कंटेंट दे सकते हैं, तो प्लस पे आपको क्या ही दे सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है फॉर नीट 2020. ये मैं ही लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, नीट 2020, जहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे. और एक पूरा 180 डे का स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, जहां पे आपको क्लासेस, नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म मिलेगा. मतलब एक प्रॉपर कोर्स आपको मिलेगा पूरा का पूरा, और इस कोर्स के बारे में हम बात करेंगे. वेरी गुड गाइस, 63 पीपल आर ऑलरेडी हियर. वी नीड टू मेक इट 100 राइट नाउ. तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको जल्दी से जल्दी, ठीक है. मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी एक बच्चा एक क्वेश्चन मिस करे इसमें. हम लोग 75 क्वेश्चन सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, ताकि एग्जैक्टली कोई झंझट ही खत्म हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी के बाहर क्या पढ़ना है उसका, ठीक. मैं आपको एग्जैक्टली चैप्टर्स बताऊंगा किस चैप्टर में एनसीईआरटी के बाहर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है. सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो 180 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, मतलब 180 डे का मैं प्लान लेके आया हूँ. जिन्होंने अभी तक नीट की अच्छे से तैयारी नहीं की है उनके लिए ये ऑप्ट प्लान है. कोई भी क्रैश कोर्स जो 45 डेज 50 डेज का क्रैश कोर्स करता है वो पॉइंटलेस है. आपको नहीं आता या तो आता है, अगर नहीं आता तो ये प्लान आपके लिए है. आता है तो नथिंग लाइक इट, ठीक है. तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर और मेरे नोट्स मिलेंगे. मेरे नोट्स आप समझते हो, मतलब आपको नीट बायोलॉजी में तो फुल मार्क्स आ ही जाएंगे. कम पढ़ के बायो में फुल मार्क्स लाना है तो आपको मेरे नोट्स यहां पे मिल जाएंगे. ये हमारे 40 प्लस एडुकेटर्स, बाकी एडुकेटर्स भी जो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है.
सेकेंडली गाइज, हम लोग आपको 100 प्लस टेस्ट सीरीज देते हैं हर मंथ, 100 प्लस टेस्ट सीरीज, और ये आपको यहां पे मिलता है। करना क्या आपको, आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, प्लस पे आना है। जैसे आप प्लस पे आओगे, यहां पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन करना है। 180 डे का प्लान है, तो आपको कितना महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए आप। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, और यहां पे प्रोमो कोड यूज कीजिए आनंद लाइव, आनंद लाइव। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज करेंगे, तो ये जो आपका अमाउंट है 24,000 का, ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 21,600 रुपीज, क्योंकि आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और आप एक अमेजिंग क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स के लिए, बहुत अमेजिंग टीचर आपके लिए, एक सरप्राइज है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहाँ पढ़ाने वाले हैं। वेरी गुड गाइज, 88 पीपल आर ऑलरेडी हियर, और करो जल्दी जल्दी शेयर करो इसको, 100 लोग, जैसे मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा 100 लोग होने चाहिए मुझे, ठीक है। चलो, 2 ईयर वाले कोई बच्चे हैं यहाँ पे, तो 2 ईयर का जो प्लान है वो 48,000 का है। अगेन यहाँ पे प्रोमो कोड आनंद लाइव यूज कीजिए, और ये प्राइस जो है 48,000 से 43,200 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो सब लोग एक बार हाई बोलो जल्दी से, फटाक से, सब लोग एकदम इनर्जेटिकली रहना है, और सबको 3 घंटे भी रहना है, तो जल्दी जल्दी एक बार हाई लिखो सब लोग, और उसके बाद फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ईयर वाइज क्वेश्चन की बातें करूंगा कि कितने क्वेश्चन नीट के एनसीईआरटी के एग्जैक्टली बाहर से आए, कुछ ऑप्शंस एनसीईआरटी के बाहर थे, कुछ वर्ड्स एनसीईआरटी के बाहर थे, या क्वेश्चंस आपके इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से आए, तो हम इन सब की बातें करने वाले हैं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड मिलेगा। देखो मुझे 75 क्वेश्चन 3 घंटे में खत्म करना है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको, तो आपको हर क्वेश्चन बताने के लिए 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। तो बातें कम करनी है और क्वेश्चन ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलो चलो गाइस शुरू करते हैं। 95 गाइस, और एक, हाँ जी, 3 आवर्स की क्लास है, 3 आवर्स की क्लास है, और 3 आवर्स में आपको पूरा एग्जैक्टली जो नीट और एम्स के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग कुछ कहेंगे कुछ एनसीईआरटी से है, कुछ कहेंगे एनसीईआरटी के बाहर है, और ये हम लोग देखते हैं इसको। चलो जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि एनसीईआरटी के बाहर का है? चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ गाइस, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि एनसीईआरटी के बाहर का है भाई? द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम इज रेफर्ड एज। फटाक से आप लोगों को जवाब देना है, और जल्दी जल्दी जवाब देना है, एकदम देखना है मुझे कौन सबसे ज्यादा जवाब दे पाता है और किसका तैयारी कैसा चल रहा है। हर्षिता, वेरी गुड, चलो 100, वेरी गुड गाइज, वी आर 100 अप, वी हैव टू मेक इट 200 बाय द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, तभी मेरा 3 घंटे का महीना सफल होगा। चलो वी हैव टू मेक इट 200 गाइज, 2 2 2 2 3 2 B 2 2 2 2 2 एनसीईआरटी के बाहर है, कुछ लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी का है। देखो टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाह, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब गाइज। देखो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम मेरा कैसा होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम मेरा यहाँ पे ये लॉन्गर आर्म है और ये शॉर्टर आर्म है, तो जो शॉर्टर आर्म होता है वो पी होता है और जो लॉन्गर आर्म होता है वो क्यों होता है। दिस इज द मॉडल ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। मैं जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डाउनलोडेबल फॉर्म में टेलीग्राम ऐप पे। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं आया, मैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा, भले ही वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका कुछ पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड जॉब गाइज, जिन्होंने 2 बोला है 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हाँ जी, 2 इज द करेक्ट आंसर गाइज, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, टेक्निकली ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा सा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी, इन अ स्पीसीज द वेट, 110 लोग आ गए, वेरी गुड, हाँ जी, 2019 का क्वेश्चन नीट का हम पहले करेंगे, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे करके हम AIPMT 2009 तक क्वेश्चन करेंगे, जब मैंने मेटेरियल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ठीक है, तो उस तरह से हम शुरू करेंगे। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी का रिव्यू होगा बाबू, अभी पहले ये कर लो एनसीईआरटी के बाहर कितना पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे। हाँ जी हाँ जी, हेलो मनमीत, हेलो पवन, आंसर 2, बहुत लोग आंसर 2 दे रहे हैं, साहिल श्रीवास्तव इज सेइंग 2, मेरे सारे प्लस वाले बच्चे भी आए हैं, गुड जॉब गाइज, चलो आ जाओ। कार्तिक 2, स्टेबलाइजिंग, सबका आंसर 2 आ रहा है, सारे लोग को आंसर चाहिए, मुझे 101 आंसर चाहिए, एवरी पार्टिसिपेंट हैज टू बी एक्टिव, ठीक है, टुडे एवरी पार्टिसिपेंट हैज टू बी एक्टिव, तभी मुझे एनर्जी मिलेगी 3 घंटे सर्वाइव करने की, ठीक है। चलो 2 2 2 2 2 2 2, वेरी गुड गाइज, सबका आंसर 2 आ रहा है। क्या है क्वेश्चन देखो,
इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 के जी, मतलब दो अलील है, दो एंड है, एक 2 के जी वाला एंड है और एक 5 के जी वाला एंड है। अब क्या कह रहा है कि एवरेज वेट जो है 3 to 3.5 के जी, तो इसका एवरेज वेट जो है 3 to 3.3 के जी है, ये एवरेज वेट है। दे सर्वाइव वेर एज 99% ऑफ इन्फेंट बॉर्न वेट 2 to 2.5 के जी, मतलब इस एंड पे जो बॉर्न हुआ, इस एंड पे जो बॉर्न हुआ उसका आबादी मर गया। तो मतलब ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, तो अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह का नेचुरल सिलेक्शन होगा, है ना, इस तरह का नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो ये बीच वाला क्या है, ये बीच वाला मेरा 2PQ है या स्टेबलाइजिंग वाला पार्ट है, ये क्यू स्क्वायर वाला है और ये पी स्क्वायर वाला है। तो ये कौन सा वाला है, ये मेरा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। देखो तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन होता है। कैसा, पहला अगर मान लो सिलेक्शन हो रहा है, एक सेकंड गाइस, तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन होगा। पहला सिलेक्शन क्या है कि अगर मान लो ये स्टेबल है तो ये स्टेबलाइजिंग हो गया, राइट। दूसरा सिलेक्शन हो गया कि अगर ये किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, इधर कर गया या इधर कर गया, तो डायरेक्शनल हो गया। और तीसरा होता है कि अगर ये दो पीक इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, एवरेज वाले की आबादी सबसे ज्यादा है, एवरेज वाले की आबादी सबसे ज्यादा है, तो कौन सा हो गया, ये स्टेबलाइजिंग हो गया। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से नहीं आया है, तो वी विल टेक दिस क्वेश्चन एज आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था आप लोगों को, कहीं कुछ लोग का कुछ आंसर आ रहा था, कुछ लोगों का कुछ आंसर आ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाक से। अभी तुम लोग 100 हो यार, मुझे 200 लोग चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोगों शेयर नहीं करो यार, जल्दी सब बच्चा, एक भी बच्चा लाएगा तो फिर 200 हो जाएंगे, 200 लोग मुझे चाहिए तभी सर्वाइव कर पाएंगे हम लोग 3 घंटे। चलो अगला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फटाक से बताइए। वन टू, वन, क्या है भाई, कोएंजाइम और मेटल आयन। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था, एनसीईआरटी का आंसर कुछ और आ रहा था और उसका कुछ और आ रहा था, बिल्कुल सही, जिन्होंने 2 आंसर लिखा है उनका आंसर सही है, क्योंकि स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, एनसीईआरटी मतलब जो ऑफिशियल आंसर की में ये आंसर था, बट 1 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 इज ऑल्सो करेक्ट, ऑफिशियल आंसर की में मेरा लेकिन 2 आया था कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, दिस इज वॉज द आंसर इन द ऑफिशियल आंसर की। क्या कह रहा है, कोएंजाइम और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अ कंप्लीट कैटलिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, तो बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप होलो एंजाइम होता है और एपो एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो अगर प्रोस्थेटिक रूट के साथ बाइंड है तो वो होलो एंजाइम होगा, तो इसलिए आंसर जो है 2 हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट 1 भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एपो एंजाइम या होलो एंजाइम एक ही बात होता है, तो इसलिए ए भी सही हो सकता है आंसर, बट जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर था दैट वॉज बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, टाइम हम लोग के पास ज्यादा नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ जी, तो एक ही बात हो गया ना, होलो एंजाइम या एपो एंजाइम, वही है, हाँ। चलो फटाक जल्दी। जल्दी गाइस, अच्छे से समझा दो बाबू, मैं समझा दूंगा अच्छे से, मुझे 75 क्वेश्चंस करने हैं, चलो मैं समझा दूंगा, कोई नहीं, आपसे थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, कोई बात नहीं, और डिटेल में समझाता हूं। वसीम थ्री एमई टू क्या बोल रहा है भाई, कार्डियक आउटपुट मेरा क्या होता है, देखो लो तुम लोगों को मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू
हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना बोला है, डायस्टोलिक वॉल्यूम मिला है 100, सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना बोला है 50, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया इसका 50 ml, तो इसका हर बीट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम जा रहा है वो 50 ml है। कार्डियक आउटपुट कितना है 5000 ml, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, हार्ट रेट मेरा क्या होगा, तो हार्ट रेट इज इक्वल टू क्या होगा 5000 / 50, तो कितना हो गया 100 बीट्स पर मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था, ठीक है। थ्री इज द करेक्ट आंसर गाइस। देखो क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा 50 ml है, हार्ट रेट मेरा क्या है, हार्ट रेट मेरा 100 बीट्स है, तो कार्डियक आउटपुट हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, दैट इज 100 - 50, दैट इज इक्वल टू 50 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा 50 ml हुआ। अब कितना कार्डियक आउटपुट था 5000 ml, तो कितनी बार बीट किया हार्ट, हार्ट बीट किया 100 बार। किसी को समझ में आया या नहीं आया, क्या हुआ रोहन, समझ में आया सबको? चलो जिसको इसको नहीं समझ में आया बताओ गाइस, कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइए। चलिए, मसल वाला डाउट मैंने बता दिया बाबू, कोलेजन मैंने बताया था ना, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रोटीन मैंने बता दिया ग्रुप पे। चलो अभी इस पर बात कर लेते बाबू, अभी बहुत डाउट आने वाला है तुम लोगों को, 75 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और 75 यूनिक क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन आए हुए ही क्वेश्चन करें, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आए हुए हैं वही क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू हम लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इनका नाम हमें जानना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका एनसीईआरटी में दिया है, बाकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो बाकी का बात करो। गुड इवनिंग दीक्षा। गाइज अभी तक 100 हुआ है, 200 चाहिए मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। हाँ 1111111, बिल्कुल सही, सबका आंसर तो सही है 1 है। कोई बता सकता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज के लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज के लिए था, जल्दी बता दो। हाँ चलो सबका आंसर 1 है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज के लिए था जल्दी बता दो। क्योटो प्रोटोकॉल वॉज फॉर एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गॉन्थरबर्ग प्रोटोकॉल वॉज फॉर यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, इट वॉज फॉर यूट्रोफिकेशन, जो हम लोग यूट्रोफिकेशन पानी का करते हैं, और ग्राउंड लेवल ओजोन जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते जाइए बच्चों, ये आप अपने एनसीईआरटी में डाल दीजिए, इतना ही एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना होगा, ठीक है। और जिनेवा प्रोटोकॉल वॉज फॉर यूज ऑफ पॉइजनस गैसेस इन वॉर, ठीक है, जिनेवा प्रोटोकॉल वॉज फॉर यूज ऑफ पॉइजनस गैसेस इन वॉर, ठीक है, तो वॉर में जो पॉइजनस गैसेस का यूज हुआ था ये जिनेवा प्रोटोकॉल का है, ये जिनेवा प्रोटोकॉल का है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ये आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए बिल्कुल, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के बाहर कितना पढ़ना है ये आज 3 घंटे में डिसाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी, कोपेहेंगन 21-22, कोपेहेंगन 3 तक तुम्हारा आया था, ठीक है, 2012 में आया था, 21 आया था जो आपका यहाँ पे हुआ था टोक्यो वाला। तो अब सीओपी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रख लिया, अगर अब सीओपी पे क्वेश्चन इस जन्म में नहीं आने वाला है, बहुत पहले लास्ट जो क्वेश्चन कोपेहेंगन पे आया था वो 2012 में आया था, सीओपी प्रोटोकॉल पे 2012 में लास्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, अब नहीं आएगा उस पे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन है, चलो सॉल्व कर लो तुम लोग ये वाला। मैं सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन में उसका आंसर नहीं है वो सारे क्वेश्चन मैंने डाले एटलीस्ट नीट 2016 तक, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं था ना, तो मैंने आपको बनवा लिया, ठीक है। गाइज अभी भी 98 हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यार, 200 वी वॉन्ट 200 पीपल।
सर मैंने अभी देखा आपका मैसेज, थैंक्स फॉर क्लियरिंग योर डाउट, थैंक यू। अच्छा थैंक यू सर्टिफाइड, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है गाइस। वीडियो को शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो इसको वीडियो को। हाँ टू क्या है भाई, अ जीन लोकस ऑफ टू अलील ए, अ जीन लोकस फॉर टू अलील ए एंड स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील इज 0.4, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेटरोजाइगस एंड ये, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना दिया है, P इज इक्वल टू 0.4, तो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0.6, तो 2PQ क्या हो जाएगा, 2PQ 2 इंटू P इंटू Q टू 6 to 24, दैट इज इक्वल टू 0.48, ठीक है। 0.4 का आ जाएगा, ये स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दो, तो ये P स्क्वायर आ गया 0.16 और ये 0.36, तो क्या है आंसर, 0.16, 0.48 एंड 0.36, राइट, 0.16, 0.48 एंड 0.36। क्या कैसे कर रहे हो यार तुम लोग, 2PQ आएगा ना, 3, 2, 2 कौन कर रहा है भाई, सर सारे अनअकैडमी जेई फिजिक्स में, जेई का फिजिक्स पढ़ के नीट वाले क्या करेंगे बच्चों, बुलाओ सबको यहीं पे। हाँ चलो आंसर क्या है, आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 कैसे कर रहे हो, हाँ जी क्या वैल्यू, 2PQ होगा ना, हेटरोजाइगस कंडीशन का क्या होगा, हेटरोजाइगस का 2PQ होगा, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो क्या हो गया, 6 4 24 एंड 2 48, 0.48, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अगेन बाबू क्या होता है, देखो होमोजाइगस डोमिनेंट का वैल्यू होता है पी स्क्वायर, मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट होता है या ए होता है, 2PQ मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए होता है, एंड क्यू स्क्वायर मेरा स्मॉल ए होता है, तो ये है मेरा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइज जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्लास के बाद जो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है हम उसका एक बार रिव्यू कर लेंगे, दिस इज व्हाट आई कैन डू, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपका दिक्कत है हम उसका रिव्यू कर लेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी के किस छेद से ये क्वेश्चन आया है वो देखने वाली बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का गलत हुआ था, ये एनसीईआरटी के किस छेद से क्वेश्चन आया ये देखने वाली बातें हैं। क्या हुआ देवांशु, नेट खराब हो रहा है, हाँ शर्ली 0.4 इंटू 0.6 से 0.24, लेकिन 0.24 इंटू 2 भी तो करोगी, तो 0.48 आ गया ना, 2PQ का वैल्यू है, बिल्कुल सही, तुम लोग सब तो अब तैयार कर ही लियो, तो बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही गाइज, बिल्कुल सही है ना, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, ग्लूट 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो पूछा कहाँ गया था, ये था क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का था, बट जो टेबल हम लोग छोड़ देते हैं ये वहां से क्वेश्चन आ गया था, तो ये दिखाता है कि एनसीईआरटी का कौन सा भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आया था सम प्रोटीन्स एंड देयर फॉर्म, तो ये ग्लूट 4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, ग्लूट 4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स। तो देखो ये क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, मतलब एनी लाइन, मतलब मेंडल कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, अगर ये भी एनसीईआरटी में दिया है तो नो वंडर इट कैन कम इन द क्वेश्चन। तो कोई टेबल, कोई बॉक्स, कोई डायग्राम एनसीईआरटी का हमें छोड़ना नहीं है अगर हमें बायो में फुल मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जांपल क्वेश्चन जो अंदर से आ जाते हैं, जो बॉक्सेस से आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा गड़बड़ लगता था, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा गड़बड़ लगता था, बट चलो इसका आंसर देखते हैं, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, 3 घंटे हमें सर्वाइव करना है, तो जितने बच्चे होंगे उतना एनर्जी मेरा बूस्टअप होगा, जल्दी। क्या है भाई, सोनम 1, सोनम इज सेइंग 1, बाकी लोग बताओ क्या है, 1 1 1 1 2 1 2 1 3
एपी लवर्स फोर, पहला आंसर किसी का सही आया फोर। तुम लोग यार नीट का पेपर देख के भी गड़बड़ कर रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे काम? सबने नीट का सॉल्यूशन देखा उसके बाद भी अभी भी गड़बड़। नहीं भाई नहीं है वन आंसर, मुझे भी लगता था वन आंसर है, बट ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर फोर है इसका, ठीक है? जो नीट का ऑफिशियल आंसर की था उसके हिसाब से ये आंसर फोर था, ठीक है? क्योंकि ये बना होता है, देखो सबको लगता है कि प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग है बट पूरे आईबॉल को कवर नहीं करता। आईबॉल को कवर कौन करता है? आईबॉल को कवर मेरा करता है स्क्लेरा। तो ये लैंग्वेज के साथ खेल रहा था तुम्हारे, ठीक है? प्रोटेक्टिव जो व्हाइट ऑफ द आई है दैट स्क्लेरा इज द प्रोटेक्टिव आईबॉल कवर। तो ये आईबॉल को कवर करता था, ये इसको कवर नहीं करता था, इसलिए ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। आंसर इज फोर, जिसका भी फोर है फोर इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, फोर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, क्योंकि बल्ज है ना, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई क्योंकि बल्ज है। और एक चीज आप लिख लीजिएगा, केराटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड जेरोप्थैल्मिया, केराटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड जेरोप्थैल्मिया। मैंने शेयर किया बट वो लोग बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं ऐशा, कोई बात नहीं, यू डिड योर बेस्ट, थैंक यू। चलो ठीक है, तो केराटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया इज कोलेजन, इट इज मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है, फोर इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बाबू। देखो क्या होता है, कॉर्निया इज द प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल, बट आईबॉल नहीं, आईबॉल मेरा क्या होता है, आईबॉल का जो आउटर कवरिंग लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरा, तो यहां आंसर स्क्लेरा होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर नहीं होता है एंड इट कैनॉट रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। कॉर्निया इज कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर, ये मेरा हो गया कन्वेक्स एंड इट इज नॉट हाईली वैस्कुलराइज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कॉर्निया इज डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स कॉर्निया में नहीं होते, तो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। चलो नेक्स्ट, ये थे नीट 2019 के क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में आपको कुछ लगा कि बहुत ज्यादा बाहर था एनसीईआरटी का, है ना, यही चीज है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से थे, मतलब इट वाज नॉट वर्थ आल्सो कि मैं उस क्वेश्चन को आपको यहां तक लेके आऊं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन सारे सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन के थे, ठीक है। तो हमने एक पड़ाव पार कर लिया, हमने एक साल पार कर लिया। तुम्हें लगा क्या नीट 2019 का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के एकदम बाहर से आया था? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और खास करके ये ट्रेंड देखना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये जो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी आते हैं। तो तुम लोग जो एक महीना एनिमल किंगडम पढ़ते हो उस टाइम में फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस चीज को आप देखिए, है ना। तो एक चीज, ठीक है गाइस, तो कमेंट करो क्या तुम लोग को लगा क्या एनसीईआरटी के बहुत बाहर कोई क्वेश्चन था। हाँ, एक बस ये कॉर्निया वाला क्वेश्चन थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का था, और एक मेरा ये क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा एनसीईआरटी के ये नाम थोड़े एनसीईआरटी के बाहर के थे। अपार्ट फ्रॉम इट आंसर तो तुम्हारा एनसीईआरटी वाला ही था ना। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी के बाहर का आया होता, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी के बाहर का नहीं था। चलो अब आरी आती है नीट 2018 के क्वेश्चन की, तो नीट 2018 के बात करते हैं, ठीक है गाइज। वीडियो को लाइक करो फटाक से जल्दी, इसके दो आंसर सही हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ऑफिशियल आंसर की में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ और आंसर है, बट आंसर इसके दो सही हैं, ठीक है। आंसर इसके दो सही है, दोनों दो आंसर इसके सही है, ठीक है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कुछ और है, बट एक्चुअली आंसर कुछ और होता है। नहीं भाई उज्ज्वला, ट्रूमेन मत पढ़ो, आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ना है, ट्रूमेन से इस जन्म में नीट नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एनसीईआरटी 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी से आपके आए थे लगभग, मतलब 86 क्वेश्चन, जो पांच क्वेश्चन एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन से 86 क्वेश्चन आए थे, चार क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर थे। हाँ ठीक, 4-3-4-3-4-3-4-1 बाप रे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। देखो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर था, चलो 121 गाइस आप लोग बढ़ रहे हो, 1 200 200, वी हैव टू क्रॉस दैट 200 मार्क, 3 घंटे का टाइम आपके पास, ठीक है। तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, एनसीईआरटी में लिखा है फेरस, एनसीईआरटी में जो लिखा है ये लिखा है फेरस, ठीक है,
एनसीईआरटी में लिखा है आयरन फॉर्म जो एब्जॉर्ब होता है दैट इज फेरस, नहीं एनसीईआरटी में टू लिखा है, एनसीईआरटी में टू लिखा है और आंसर डी होना चाहिए, दोनों फेरस और फेरिक दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फेरिक ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर हम एक्चुअल बात करें तो फेरिक का एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है देन फेरस, बट एनसीईआरटी में फेरस लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकली आंसर फोर होना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर टू है, टेक्निकली आंसर फोर होना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू आंसर टू है, तो आंसर आपका टू एंड फोर सही है, टू एंड फोर सही है। होता क्या है, फेरिक का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, जो लोग थ्री आंसर दे रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि फेरिक का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, बट एनसीईआरटी माता कहती है कि फेरस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। हाँ जतिन बाद में भी ये वीडियो मिल जाएगा बेटा। सर सीनेज पढ़ना, नहीं पढ़ना कोई किताब, ना मुझे सीनेज पढ़ना है, मैंने बहुत किताबें पढ़ ली बेटा, पढ़ना हमें है बायोलॉजी की एनसीईआरटी। तो ऑफिशियल आंसर की जो नीट 2018 की आई थी उसके हिसाब से आंसर इसका टू था, बट एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअल आंसर इसका फोर होना चाहिए, एक्चुअल आंसर इसका फोर होना चाहिए या थ्री होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर टू था क्योंकि एनसीईआरटी माता यह कहती है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी इज आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। टू है हर्ष बेटा, मैंने अभी मैं आपको कटआउट दे दूंगा एनसीईआरटी का, है ना। चलो अगला देखो, नई एनसीईआरटी में फेरिक लिखा है बाबू, पुरानी एनसीईआरटी 2018 वाली जो एनसीईआरटी है उसमें फेरस ही लिखा था, है ना, ये नई एनसीईआरटी में फेरिक लिख दिया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तभी इसलिए अब आंसर इसका फोर हो गया। हाँ आदित्य बता दिया मैंने बाबू फेरिक, ठीक है चलो अगला, तो आंसर इसका फोर होगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर इसका टू और फोर, मतलब आपके हिसाब से जो आंसर आएगा तो आंसर इसका आप फोर कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाहर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाहर का है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाहर का है, तो इसको लिख लो। 1111111111111 सबका वन आ रहा है, क्या है भाई, फ्री एलिमेंट। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर तुम्हारा वर्ल्ड ओजोन डे है, बाकी दिन भी बता दो भाई। 21 अप्रैल जो है तुम्हारा वो नेशनल येलो बैट डे है, 22 अप्रैल तुम्हारा अर्थ डे है और 5th वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। लिख लो इस तीनों पॉइंट को, कल को ये थोड़ा आगे पीछे करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे जो है तुम्हारा वो 5 जून है, 21 अप्रैल नेशनल बैट डे है एंड 22 अप्रैल नेशनल अर्थ डे है, 22 अप्रैल नेशनल अर्थ डे है। वन है इसका आंसर, बिल्कुल वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज वन। ठीक है, बाकी ये ऑप्शंस आप लिख लीजिए, बाकी ये ऑप्शंस आप लिख लीजिए। हाँ बेटा ये एक्स्ट्रा है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं ना, हम लोग आज वही क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा है। इस वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हमेशा कहता था ना एनसीईआरटी प्लस 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन बाहर से एनसीईआरटी का आया, तो इस वीडियो के बाद इस 3 घंटे के बाद आपको एनसीईआरटी से बाहर एक लाइन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये 3 घंटे का कंटेंट आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसीलिए मैं वंस एंड फॉर ऑल ये झंझट ही खत्म कर दे रहा हूं कि एनसीईआरटी से बाहर आपको कितना पढ़ना है। ठीक है चलो, तो आंसर क्या है, आंसर इज वन इज द करेक्ट आंसर। 21 अप्रैल को मेरा नेशनल येलो बैट डे होता है, 22 अप्रैल को मेरा नेशनल अर्थ डे होता है एंड 5 जून को मेरा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। हाँ जी चलो चलो अगला, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, देखो ये एनसीईआरटी का है बट इसमें कुछ कुछ चीज एनसीईआरटी के बाहर का टर्म है। इकडिसोन ये एनसीईआरटी के बाहर दिया हुआ था, ये सारा कॉर्टिकॉइड है, ये मेरा कॉर्टिकॉइड है, ये मेरा कॉर्टिकॉइड है, इन दोनों में से आपको देखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट इसमें येलो बैट डे, अरे बैट एक वहां पे लंदन में बैट्स होते हैं तो उनके लिए दिन मनाया जाता है, तो येलो बैट डे उनके उनके कंजर्वेशन के लिए। अच्छा सनी चलो कोई नहीं, तो आंसर उसका दोनों सही है यार, फेरस और फेरिक दोनों सही है, क्यों लोड लेना इतना। हाँ आंसर क्या है इसका, 3, बिल्कुल सही। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव मेरा, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव मेरा होता है एपीनेफ्रिन, एपीनेफ्रिन इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। कौन सा अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होता है जरा बताना, कौन से अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होता है जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट करो जल्दी। ये वाला मेरा स्टेरॉइडल है,
पता है आपको एस्ट्राडोल क्या करता है? ये भी मेरा स्टेरॉइडल है और ये भी मेरा स्टेरॉइडल है, ये मेरा मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट कराता है, ये लिख लो बाबू, मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट कराता है ये हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन मेरा मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट कराता है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्या एक्सप्लेन करना है बाबू? हर्ष हार्मोन होते हैं, देखो हार्मोन कैसे होते हैं, तीन तरह के, चार तरह के होते हैं, पहला हो गया मेरा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, दूसरा मेरा हो गया आयोडो थायरोनॉम, ठीक है, जो मेरा तुम्हारा ये थायरोक्सिन वाला आ गया, तीसरा मेरा हो गया पेप्टाइड और चौथा मेरा हो गया स्टेरॉइडल। जैसे मेरा इंसुलिन, इंसुलिन मेरा पेप्टाइड हो गया, है ना, जैसे मेरा एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन, ये मेरा अमाइनो एसिड हो गया, आयोडोथर्मो में मेरा आ गया T3 एंड T4, और स्टेरॉइडल में मेरा जो कॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ गया वो मेरा स्टेरॉइडल हो गया, फिर मेरा जो गोनाड्स वाला है इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन टेस्टोस्ट्रॉन वो सारे स्टेरॉइडल हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड प्रेरणा, वेरी गुड कार्तिकेय, वेरी गुड दूध किला तन्वी, वेरी गुड गाइस, सब पता है तुम लोगों को, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, वेरी गुड गाइस, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थोड़ा स्पीड हमें बढ़ाना है, थोड़ा स्पीड हमें बढ़ाना है, तीन घंटे का सेशन है, ठीक है, तो चलो कमान कमान जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमनियन ऑफ मेमिलियन इम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम, देखो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर है, चलो थैंक यू शिवानी। बेटा अभी इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, बाहर का कंटेंट मैं आपके सारे डाउट्स बाद में देख लूंगा, आप समझो बात को, है ना, फिर ऐसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मुझे 75 क्वेश्चंस करने हैं 3 आवर्स में, तो जल्दी जल्दी। ग्लोबिन पार्ट बाबू तुम्हारा प्रोटीन है, हीम पार्ट आयरन का कंपोनेंट है। 3 3 3 2 क्या है भाई, 3 2 एमनियन मेरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, क्या क्या होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक, तो मेरा एमनियन जो होता है वो मेरा एक्टोमिजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, तो इट इज मेड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मिजोडर्म, एमनियन इज मेड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मिजोडर्म, वेरी गुड गाइस, तुम लोग यार बहुत स्मार्ट हो, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है, आप लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, एंड दिस इज द राइट वे टू गो, ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं श्योर कर रहा हूं आपको 100%, ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल, इट डेवलप्स फ्रॉम ट्रोपोप्लास्ट, बिल्कुल सही तनी, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, द आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला फोर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होमोथर्म, मतलब ये होमियोस्टैसिस या थर्मोरेगुलेशन नहीं कर पाता, ये थर्मोरेगुलेशन नहीं कर पाता, थर्मोरेगुलेशन नहीं कर पाता, एक्सप्लेन अगेन शुभम, इसमें क्या एक्सप्लेन करना बेटा, जो एमनियन होता है मेरा वो एक्टोडर्म और मिजोडर्म से आता है, वो ट्रोपोब्लास्ट का होता है, तो ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट से कोरोनिक एलोएंटोइड, कोरोनिक एमनियोटिक टाइप आपका प्लेसेंटा बनता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी होता है। हाँ शिवानी डेली क्लास होती है, बट आज एक स्पेशल क्लास है, आज 3 घंटे की क्लास है आपके लिए, तो 3 घंटे तक कोई नहीं हिल रहा यहां से। 3 2 होगा सर, किसका 2 होगा, नहीं बेटा 3 होगा शिवानी, इसका देखो, इसका क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का देखो, अगले क्वेश्चन का क्या है, 2 बी 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 बी, बिल्कुल सही, चिलोन, चिलोन क्या होता है, चिलोन मेरा टर्टल होता है, ठीक है, कैमलियस शायद क्या, ये तो कैमल होता है, ये मेरा कंगारू होता है, ये पिस्टिकुला क्या होता है ये मुझे याद नहीं आ रहा, इस किसी को पता है क्या होता है भाई, ये बताना अगर किसी को पता है तो क्या होता है, ये टर्टल है, टर्टल मेरा कोल्ड ब्लडेड होता है,
ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर इज टू, टू इज द करेक्ट आंसर। बट ये चौथा वाला क्या होता है, किसी को पता है क्या, बताना जरा। ट्रोपोब्लास्ट पप्पू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है जो अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ और बनाता है कोरोनिक विलाई। अच्छा पैरेट होता है, श्योर हो? अच्छा चलो पैरेट होता है, चलो इसको पैरेट होता है अकॉर्डिंग टू हर्षिता, ठीक है, दिस इज अ पैरेट अकॉर्डिंग टू हर्षिता, चलो गुड गुड, चलो गुड। सर MTG बायो MCQ सफिशियंट फॉर नीट, बिल्कुल सही प्रतीक, NCERT और फिंगर टिप्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन इज सफिशियंट फॉर नीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बॉट्यूलिज्म एंथ्रियासिस सिलिकोसिस और इम्फाइसेमा, ये टेक्निकली NCERT का ही क्वेश्चन है बट NCERT से थोड़ा सा बाहर है। हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं, पीकॉक, कुछ लोग पीकॉक बोल रहे हैं भाई, क्या है भाई, पैरेट है ना, चलो कोई नहीं, पैरेट है तो बहुत अच्छा, पैरेट है, चलो पैरेट है, पैरेट है, पैरेट है, तू बिल्कुल सही, आयन वेरी गुड, आयान सॉरी, आयान वेरी गुड। चलो गाइस जाइए, थोड़ा एनर्जी, थोड़ा एनर्जी है ना, अभी बस तो 40 मिनट हुआ है, अभी तो टाइमर आपका 2 घंटा 20 मिनट है हमारे पास, और एकदम सबको उसी एनर्जी के साथ रहना है। हाँ टू टू टू, सिलिकोसिस बिल्कुल सही, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ ये टर्म NCERT में नहीं दिया था, बाकी सब कुछ NCERT में दिया था। बॉटुलिज्म मेरा फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, जिसके कारण हेलुसिनेशन होता है, बॉटुलिज्म इज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। एंथ्रेसिस मेरा एंथ्रेक्स से होता है जो, ठीक है, और इम्फाइसेमा ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें मेरा लंग फाइब्रोसिस हो जाता है उसको हम सिलिकोसिस कहते हैं, इसमें मेरा लंग फाइब्रोसिस हो जाता है और इसको हम सिलिकोसिस कहते हैं, इसको हम सिलिकोसिस कहते हैं। बेटा मैं डॉक्टर हूं तन्मय, मैं डॉक्टर बना कैसे नहीं ये वही बता, मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूं। कोई बात नहीं सनी, कोई बात नहीं, कब बाद में रिपीटेड टेलीकास्ट देख लेना, बट बाकी लोग आप लोग सब रहिए यहां पे। चलो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, चलो अगला। फिर से पढ़ा क्यों रहे क्या, अच्छा फिर सर पढ़ा क्यों रहे, क्यों दिक्कत है बेटा, टेंशन मतलब हॉबी होता है ना किसी का, कुछ शौक होता है, बहुत बहुत सारे डॉक्टर्स आपको पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ अकेला इकलौता डॉक्टर नहीं हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं। चलो अगला अगला, चलो चलो मेरे कैरियर पे स्पेकुलेट बाद में कर लेना, अभी आंसर देखते हैं। सर आफ्टर दिख फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सैटी, बिल्कुल बिल्कुल सैटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री कर जाते हो, वही मैं बता रहा हूं बेटा कि 3 घंटे के लिए ये फॉलो कर लो, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना, तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, मैं क्यों 3 घंटे अपना टाइम वेस्ट करता, मैं 3 घंटे का वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि NCERT से बाहर आपको एग्जैक्टली इतना ही पढ़ना है, इस 3 घंटे का कंटेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। टू 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 टू, बिल्कुल सही, सबको पता है टू, बिल्कुल सही। थीकोडोंट, थीकोडोंट मतलब टीथ जो है मेरा इम्बेडेड है गम्स में। डायफायोडॉन, डायफायोडॉन मतलब दो तरह का टीथ आएगा, एक मेरा मिल्क टीथ होगा और दूसरा मेरा परमानेंट टीथ होगा, एक मेरा मिल्क टीथ होगा दूसरा मेरा परमानेंट टीथ होगा। और हेट्रोडॉन मतलब 4 सेट ऑफ टीथ होता है, इंसिजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर, इसमें जो है प्रीमोलर जो है मेरा प्रीमोलर एंड थर्ड केनाइन, ये लिख लो थर्ड मोलर सॉरी प्री मोलर एंड थर्ड मोलर जो है ये मेरा मोनोफायोडोंट होता है, मतलब एक ही बार दांत आएगा, मोनोफायोडोंट होता है, ठीक है। कैटल्स में होमोडोंट होता है, मतलब सारे सेट ऑफ टीथ सेम होते हैं, ये कैटल्स में होते हैं या हर्बीवोर्स में मेरा होमोडोंट होता है, कैटल या हर्बीवोर में मेरा होमोडोंट होता है, ठीक है। प्लूरोडोंट मतलब दांत ऐसे बाहर निकला रहता है, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट दांत मेरा बाहर निकला रहता है, तो इसको हम प्लूरोडोंट कहते हैं, जो आपको फिश में दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड,
थैंक यू प्रेरणा। हाँ जी, 45 मिनट में 15 क्वेश्चन, तो भाई अब ठीक है, उस स्पीड से तो ठीक ही है। चलो अगला। मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विथ अ सिंगल एमआरएनए, ये आपको पता ही है, ये आपको पता ही है। बस इसमें दो चीज आपको नहीं पता, एक पॉलीहेड्रल बॉडी नहीं पता और एक प्लास्टिडोमा आपको नहीं पता। मुझे पता है, बाकी क्या आपको, बाकी सब कुछ आपको पता ही है। पॉलीहेड्रल बॉडी, यू आर नॉट करेक्ट। क्या भाई, हाँ भाई 3 घंटे चलेगा आज, आज एकदम 3 घंटे चलेगा। थ्री, बिल्कुल सही पॉली। हाँ ठीक है, चलो थ्री इज द करेक्ट आंसर, थ्री इज द करेक्ट आंसर। पॉलीजोम, पॉलीजोम मेरा अगर सेवरल एमआरएनए, अगर सॉरी सेवरल राइबोसोम अगर सिंगल एमआरएनए के साथ अटैच्ड होता है तो इसको हम कहते हैं पॉलीजोम। बिल्कुल सही। ये प्लास्टिडोम जो होता है ये प्लास्टिड को कहते हैं, ठीक है, और ये मेरा साइनोबैक्टीरिया में होता है, थियोबैसिलस में, थियोबैसिलस से ये एक्सट्रैक्ट होता है पॉलीहेड्रल बॉडी। इसको लिख लो, थियोबैसिलस से ये एक्सट्रैक्ट होता है पॉलीहेड्रल बॉडी। न्यूक्लियोसोम आपको पता ही है, न्यूक्लियोसोम मेरा क्या होगा, न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और ये बना होगा 200 बेस पेयर का। चलो अगला, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा गाइज हम लोग को, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा हम लोग को। हाँ जी, थ्री इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। डाउट वन सर, ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन बता दिया था बाबू मैंने आपको, ह्यूमिलिन मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला, चलो चलो अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जल्दी, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन। विपिन सर 10 बजे केमिस्ट्री क्लास लेंगे बाबू, विपिन सर 10 बजे केमिस्ट्री क्लास है। प्रो न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस जो होता है उसको प्रो न्यूक्लियस कहते हैं। यार कंटेंट पे आते हैं ना, इधर है ना। वन, बिल्कुल 1414143 भी कह रहे हैं कुछ लोग। हाँ जी, सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के बाहर जो क्वेश्चन है वही बात करना है, ठीक है। वन इज द करेक्ट आंसर। अल्जाइमर्स मेरा ड्यू टू डी जेनरेटिंग ऑफ नर्व फाइबर, डी जेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स की वजह से होता है, तो आंसर मेरा, एंड इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड बी प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज एन ऑटो इम्यून, ठीक है। इसमें सोरायसिस में क्या होता है कि स्किन में इची ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ड्राई स्किन होता है, इसको सोरायसिस कहते हैं ना। बहुत लोगों को जब सोते हैं तो उसको बेड सोर्स हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज, इसको सोरायसिस कहते हैं। यहां पे इची स्किन हो जाता है। और विटिलिगो में क्या होता है, लॉस ऑफ स्किन कलर, ठीक है, कहीं कहीं से मेरा मेलानिन चला जाएगा और स्किन कलर का लॉस होता है, इसको हम विटिलिगो कहते हैं, इसको हम विटिलिगो कहते हैं। हाँ बिल्कुल श्रियांश, मैंने डिस्कस किया था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये मेरा विटिलिगो, तो वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जल्दी थोड़ा स्पीड तेज करना है गाइस। सो दैट वॉज क्वेश्चन फ्रॉम 2018, 2018 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। टेक्निकली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर का था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर का था, ये क्वेश्चन टेक्निकली बाहर का था, तो ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का हुआ और ये भी अंदर का ही था, ये थोड़ा बाहर का था, तो 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का आया 2018 में। टेक्निकली अगर टेक्निकली बात करें, वैसे तो 1 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का आया, तो 2018 में भी कितना क्वेश्चन, मुश्किल से अगर आप एनसीईआरटी छोड़ते तो आपका 8 नंबर का नुकसान होना चाहिए था, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए था। विटिलिगो एल्बिनिज्म जैसा नहीं है, एल्बिनिज्म में पूरा व्हाइट होता है, ठीक है। विटिलिगो में क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे स्किन का ये पैच है, यहां पे मेरा कोई एक वो जाएगा तो उसको विटिलिगो कहते हैं। चलो 2 साल पार हो गया, अगला तीसरे साल पे आते हैं।
नीट 2017, जल्दी गाइस हमको स्पीड बढ़ाना है। नीट 2017 पहला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, है ना। हाँ चल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल 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 गाइस जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी पैची होता है, उसमें क्या होता है ना, ऐसे छोटा 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 व्हाइट स्पॉट, तो जहां पे वहां पे अटैक करता है सेल्स, वहां पे मेलानिन रिसेप्टर खत्म हो जाता है, तो मेलानिन खत्म हो जाता है वहां पे। चलो टू 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 टू, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है, टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हॉर्मोन सिक्रेटिंग सेल होता है, या इसको ईसीएफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्मोन सिक्रीट करता है, जाइगोमेन सेल, ये मेरा पेप्टिक सेल, और ये मेरा सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन, कफर सेल मेरा लिवर में होता है, और ये कराता है फैगो साइटोसिस। गाइस मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं, ये मैराथन है तो दौड़ना पड़ेगा थोड़ा। तो पैनेस सेल मेरा एंटी बैक्टीरियल लाइजोजोम देता है क्रिप्स ऑफ लुवरकुम में, पैनेसल मेरा एंटी बैक्टीरियल लाइजोजोम देता है क्रिप्स ऑफ लुवरकुम। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा बहस हो सकता है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर पे थोड़ा बहस हो सकता है, बट ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर है हम लोग वही डिस्कस करेंगे, जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है हम वही डिस्कस करेंगे, बट इस पे थोड़ा बहस हम कर सकते हैं, राइट, इस पे हम थोड़ा बहस कर सकते हैं। हाँ जी आदित्य बेटा, मैं अभी कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा हूं, देखो इस तरह से अगर मैं जवाब देने लूंगा, समझो बात को, अगर इस तरह से मैं जवाब देने लगूंगा तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा, समझो बात को, हम लोग एक मैराथन कर रहे हैं ना, तो एक स्टिक करते हैं। देखो मैं कभी भी किसी चीज को अनइम्पॉर्टेंट चीज आपको नहीं बताता, है ना, नहीं काम के आपके। चलो अगला, थैंक यू ऋत्वेश। चलो गाइस चलो गाइस जल्दी जल्दी, 130 200 तुम लोग अभी तक नहीं किए हो, तो मेरा होमवर्क नहीं कर रहे हो भाई। 13 13 13, देखो अर्पित ए, सनी ए, वन थ्री वन थ्री वन थ्री वन थ्री, देखो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर वन है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर वन है, ठीक है, बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। हाँ ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर वन है, क्योंकि 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 आरबीसी को हम इसलिए बनाते हैं, आरबीसी मेरा बाय कनकेव होता है, बाय कनकेव होता है, ताकि वो सारा का सारा सरफेस एरिया बढ़ाए फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, बट टेक्निकली अगर हम बात करें। अच्छा हेलो प्रदीप, ठीक है, बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो सोमैटिक सेल है, ये भी सही है, डी भी सही है और ए भी सही है, तो सी आंसर हो सकता है, ठीक है, बट लेकिन बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों है, हमको न्यूक्लियस हटाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 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 ऑल देयर एनर्जी इज यूज फॉर दिस पर्पज, तो ऑल देयर एनर्जी इज यूज फॉर दिस पर्पज, तो आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर गाइस, गुड जॉब, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑफिशियल मीन्स एनसीईआरटी जो मतलब ऑफिशियल मीन जो नीट के आंसर की में आया था, जब एग्जाम हुआ था तो जो आंसर एक्सेप्टेबल था दैट आंसर वाज ए, ठीक है। हाँ जी चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट आप लोग इसको मिस कर जाते हैं, राइट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट आप लोग इसको मिस कर जाते हैं, तो मैं सोचा आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको लगा कि थोड़ा एनसीईआरटी में फार फेस्ड है आपको दिख नहीं रहा, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 10 साल के क्वेश्चन एकदम आउटसाइड एनसीईआरटी निकालता तो मुझे मुश्किल से 20 से 22 क्वेश्चन मिलता। कोई टायर्ड नहीं होंगे समलीन, 3 घंटे में टेंशन मत हो, तुम लोग बस इसी तरह का एनर्जी दिखाते रहो, मैंने 12 घंटे की क्लासेस ली है फिजियोलॉजी के डॉक्टर्स की, तो टेंशन मतलब 3 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है मेरा, उसका टेंशन मतलब, बस तुम लोग उसी तरह प्यार दिखाते रहो, है ना, ज्यादा ज्यादा मुझे 200 लोग चाहिए, उसके बाद देखो मेरा एनर्जी कैसे जाता है एकदम, मतलब ठीक है। चलो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स, क्या है भाई,
वन कुछ लोग कह रहे हैं ऑर्डर नहीं है बाबू, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। ऑड टोड एनिमल का जो ऑर्डर होता है इसको हम पेरिसोडैक्टिलिया कहते हैं, पेरिसोडैक्टिलिया। ऑटो मतलब क्या हुआ, एक बड़ा वाला दो छोटा छोटा, टोड जो एनिमल होता है उसको हम पेरिसोडैक्टिलिया कहते हैं। जी बी इज करेक्ट, हॉर्स बिलोंग्स टू द ऑर्डर पेरिसोडैक्टिलिया ऑफ क्लास मेमिलिया, तो इट इज इंक्लूडेड इन ऑड टो मैमल्स, इट इज इंक्लूडेड इन ऑड टोड मैमल, बिल्कुल सही। हाँ जी, टू इज द करेक्ट आंसर, टू इज द करेक्ट आंसर। वी आर डन विद 20 क्वेश्चन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। फ्रॉग चाचा आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से ऑफिशियली नहीं है, बट 2017 में दो क्वेश्चन फ्रॉग पे आया था, 2017 में दो क्वेश्चन फ्रॉग पे आया था, 18 में भी एक क्वेश्चन फ्रॉग पे आया था। तो फ्रॉग इस बार पढ़ लेना यार, दो पेज का चैप्टर है, क्यों रिस्क लेना, ठीक है? आप लोग फ्रॉग और अर्थवॉर्म पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से, मुझे नहीं आता फ्रॉग और अर्थवॉर्म, खुद ले खुद से पढ़ लेना, ठीक है? फ्रॉग और अर्थवॉर्म आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेंगे। बेटा मेरा स्पेशलिस्ट पीएमआर है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, हड्डी समझो एक तरह से। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए, जल्दी आंसर बताइए, आंसर बताइए क्या है भाई। 4-1, 4-1, 4-1। वन वन वन, 4-4, 4-4, 4-4। आंसर इसका डी है, फ्रॉग के पास मेरा मायोजेनिक हार्ट होता है, फ्रॉग के पास मेरा मायोजेनिक हार्ट है, मतलब मायोजेनिक है तो मतलब ऑटो एक्साइटेबल होगा। कॉमन सेंस यूज कीजिए, इंपल्स अगर हार्ट से ही ओरिजिनेट कर रहा है तो इट विल बी ऑटो एक्साइटेबल, तो जब सी है ही तो डी तो होगा ही। तो आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर इज 4। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से बन जाता अगर आपको ये पता था कि हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ठीक है? तो आंसर क्या है, आंसर सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। हाँ ऑफिशियली आंसर की 4, बिल्कुल सही सनी। केवीपीवाई का भी सिलेबस सेम है क्या, बिल्कुल सेम है यार, सब सब क्या पूछेगा केवीपीवाई में। हाँ ठीक है, डी इज द, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला, ये भी इसका भी क्वेश्चन देखो, ये भी फ्रॉग से क्वेश्चन आया था, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर है, मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी के सिलेबस के बाहर का ही हुआ। हाँ जी नीट में हर साल फ्रॉग का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप फ्रॉग पढ़ लीजिए, ऑफिशियली नीट के सिलेबस में फ्रॉग अर्थवॉर्म नहीं है, बट आप प्लीज पढ़िए। देखिए क्या होता है, सीबीएसई के सिलेबस से फ्रॉग और अर्थवॉर्म इसलिए हटा देते हैं क्योंकि फ्रॉग और अर्थवॉर्म का डिसेक्शन अलाउड नहीं है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए इन्होंने हटा दिया, बट क्वेश्चन आ ही जाता है फ्रॉग और अर्थवॉर्म पे, तो आपको थ्योरी पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लीजिए। चलो गाइज वेरी गुड, 150 स्टूडेंट्स, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, 150 स्टूडेंट। चलो अब देखो मेरा एनर्जी और बढ़ रहा है। चलो टू, हेलो मयूर, अब बी ऑप्शन समझा दो, बी ऑप्शन क्या है बाबू, फ्रॉग डज नॉट हैव कोरोनरी सर्कुलेशन, उनके पास नहीं होता कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब उनके अपने हार्ट का कोई सर्कुलेशन होता नहीं है, तो मतलब ये होता है ना, फ्रॉग के पास कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, इससे कोई मतलब नहीं है उसको। हाँ चलो अगला क्या है, 2-3, 2-3, 2-3, 2, यार सबका गलत है। जीटी, हु इज जीटी भाई, जीटी नाम क्या है तुम्हारा बताना भाई, सही आंसर दे रहे हो तुम। समरीन वेरी गुड, समरीन का आंसर सही है। क्या शुभम क्या गलत बात है, डॉक्टर दिलीप आपका आंसर सही है, शुभम राज, अरे वाह शुभम, देखो मेरे प्लस वाले बच्चे भी आए हैं, ठीक है शुभम राज, वेरी गुड शुभम, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही अर्पित डी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल एंड यूरिनो जेनिटल डक्ट एंड कॉकलिया आता है, ठीक है क्लोका, सॉरी क्लोका तुम्हारा इसमें आता है, दिस इज द सीक्वेंस। देखो गाइस क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से किडनी, किडनी के बाद बिडर्स कैनाल, फिर यूरिनो जेनिटल कैनाल और क्लोका। सच पूछोगे तो मुझे फ्रॉग नहीं आता, मैंने कभी फ्रॉग नहीं पढ़ाया है, बट कोई बात नहीं, अब मुझे भी सीखना पड़ेगा और आप लोग भी सीख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉग से। हाँ जी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस इन एनिमल सेल्स, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, जल्दी बताओ
हाँ जी मयूर, जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है ना, फेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं एक्सप्लेन है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली दिया है या नहीं दिया है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ, जो आप गलत कर सकते हैं पिछले 10 साल में। इसके बाद बाकी मतलब तुम एनसीईआरटी से अगर पढ़ लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, उसमें सोचना नहीं, कोई संवेदनशील क्वेश्चन नहीं है। सर बैटरी बैटरी लगाओ चार्ज में यार, चार्जर भी हम पहुंचाएं। थ्री, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, थ्री इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब गाइस, थ्री इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग बहुत स्मार्ट हो यार, सबके नीट में फुल मार्क्स आ रहे हैं अब लग रहा है एकदम। इसी कन्विक्शन के साथ आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत बहुत अच्छा करेंगे। पता नहीं तुम लोग अगर देख के अगर आंसर दे नहीं दे रहे हो, और ऑनेस्टली सब लोग आप आंसर दे रहे हो, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, और बायो में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट इज मोर देन सफिशियंट। कोई किताब पढ़ने की दूसरी जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूअस, एंड यू विल रिमेंबर माई नेम। आप बोलोगे मेरे एक सर थे जो ऐसा बोलते थे, जैसे मैं अपने सर के लिए बोलता हूँ, है ना। तो द क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, द क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेरा जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो ब्रेक डाउन करके मेरा डॉटर क्रोमैटिड बनता है, तो ये क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन नहीं होता, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया मेरा नीट 2017 भी खत्म। नीट 2017 में एक्चुअली कितना क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया था भाई, तो अगर हम बात करें तो फ्रॉग का एक क्वेश्चन, दूसरा फ्रॉग का दूसरा क्वेश्चन, और हॉर्स वाला तो था ही एनसीईआरटी में, ये तीसरा अगर थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो ये तीसरा मान लो, बाकी और क्वेश्चन कोई नहीं था। तो नीट 2017 वॉज द इजिएस्ट पेपर ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ नीट, ठीक है, नीट 2017 में ही कट ऑफ जो हाई होना स्टार्ट हुआ था, ट्रेंड वही हुआ था, सबसे आसान पेपर आपका नीट 2013 का 17 का था, ठीक है। तो नीट 2017 में कितना मुश्किल से दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आप बोल सकते हो जो टेक्निकली बाहर से आते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे मेरे, तीन स्टूडेंट्स को 360 में 360 आया था बायो में, तो वो बहुत ईजी पेपर था। हाँ चलो नीट 2016, अब जो नीट का ट्रेंड है, आप लोग समझिए क्या होता है ना, एनटीए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भाई आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही बनाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगते हैं, स्टूडेंट्स हंगामा क्रिएट कर देते हैं, साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है बिकॉज दे डोंट हैव अ सेट प्रोटोकॉल फॉर दैट। तो इसीलिए एनसीईआरटी को ही रेफरेंस माना गया, भाई कोई एक रेफरेंस आप रखोगे ना कि जहां से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो जब ये ट्रेंड आया, जब ये नीट वाला पैटर्न आना स्टार्ट हुआ, तो पैटर्न चेंज हो गया, 17, 18, 19 आपने देखा कितना चेंज आया, बस यही चीज है। तो अगला देखो, अगला क्या है भाई, विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन इंडिया, ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर था। अच्छा देखो क्या हुआ था कि नीट 2016 का, जो नीट 2016 का पार्ट वन और पार्ट टू, नीट 2016 में दो एग्जाम हुआ था, है ना, आप लोगों को पता है नीट 2016 में दो एग्जाम हुआ था, 15 में भी दो हुआ था एक्चुअली, 15 का एक एग्जाम कैंसिल हो गया था और दूसरा एग्जाम हुआ था, है ना, पता होगा आप लोगों को जो लोग इतने पुराने वाले हैं। क्या नीट 2020 का, बिल्कुल श्रेयांश बिल्कुल मिलना, ठीक है। हाँ तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया गाइस, 1 घंटे हो गए, नाउ वी आर ऑन टू द सेकेंड आवर, टू 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 टू, बिल्कुल सही, रिवर डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, टू इज द करेक्ट आंसर, रिवर डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जिनको नहीं पता है इसको आप लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है इसको आप लिख लीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवेना कर्वेचर, एवेना कर्वेचर हम किसके लिए यूज करते हैं, एवेना कर्वेचर हम किसके लिए यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन बता दो जल्दी। हाँ जी रिवर डॉल्फिन, गंगा वाला जो गैजेंटिक डॉल्फिन होता है उसको, 2020 में भी मेरी मानिए जैसा क्वेश्चन 2019 का आया था उसी से सिमिलर क्वेश्चन आएगा, चाहे एम्स मर्ज हो जाए चाहे जिपमर मर्ज हो जाए, क्वेश्चन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स। या सुसु डॉल्फिन, हाँ बिल्कुल प्रेरणा, खाना का खाएंगे हम लोग 10 बजे खाएंगे, सब सब साथ ही जाएंगे 10 बजे, टेंशन मत लीजिए। 152 गाइस, चलो हेलो रोशन, हेलो निधि, चलो आ जाओ जल्दी। थ्री, थ्री इज द करेक्ट आंसर, एवीना कर्वेचर बायो ऐसे होता है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक्सट्रैक्शन के लिए हम एवेना कर्वेचर कराते हैं, तो थ्री इज द करेक्ट आंसर। दीज आर द फ्यू क्वेश्चन जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं, दीज आर द फ्यू क्वेश्चन जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं जी। तो एवीना का बायो ऐसे मतलब हम उससे कैसे बनाते हैं, हम ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं, तो हम उसको एवीना कर्वेचर से बनाते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। सो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अगला। हाँ जी सुधांशु बोलिए। चलो गाइस जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। बायो एसे जो उसका कंपोनेंट बना रहे हैं हम, मतलब उसको बायो एसे मतलब किसी चीज का मिक्सचर होता है उसको बायो एसे कहते हैं, तो उससे कल्चर से जो हम हार्मोन सिक्रीट करा रहे हैं या जो हार्मोन प्रोड्यूस करा रहे हैं उसको हम ऑक्सिन कहते हैं। बोलो बोलो डाउट पूछो क्या है भाई। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन स्टिमुलाई और सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, बिल्कुल सही, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट करके छूट नहीं रहा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके छूट नहीं रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेटनी कहते हैं। टेटनी होता है अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करके छूट नहीं रहा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। टोनस होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, टोनस कहते हैं, नॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम टोनस कहते हैं। फटीग, फटीग कब होता है, जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है इसको फटीग कहते हैं। और स्पैजम, स्पैजम क्या होता है कि मतलब तुम्हारे कुछ भी इरिदमिक बीट जो होता है उसको हम स्पैजम कहते हैं, रिदमिक बीट जो होता है वो उसको स्पैजम कहते हैं। थैंक यू कोमोरी। चलो ठीक है तो ये आ गया तुम्हारा टेटनस। टेटनस में क्या होता है कि ये तुम्हारा ऐसे होता है, टेटनस में टेटनाई होता है, टेटनाई मंडल में क्या होता है कि तुम्हारा ये आता है, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी मस्कुलर टेटनी कैल्शियम के कारण होता है और टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई के कारण भी होता है, जो लॉक जॉ हो जाता है तुम्हारा, जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल फाइबर हिल नहीं पाता। हाँ जी चलिए नेक्स्ट 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 जल्दी 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 टाइम नहीं है अपने पास। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल विल नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। गुड नाइट प्रदीप। हाँ जी इंसुलिन कंटेन्स ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड, कल इंसुलिन पढ़ाया है मैंने बेटा। 3434 3434 क्या है, देखो सुनो 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 क्या बोले थे, बताया था मैंने, देखो डी अमाइनेशन कहाँ होता है, डी अमाइनेशन मेरा होता है लिवर में, क्या बनता है भाई, अमोनिया मेरा कन्वर्ट होता है यूरिया में, तो लिवर से एक ब्लड वेसल निकलेगा जो मेरा हार्ट तक जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिपैटिक वेन, तो हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा, हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा, ठीक है, हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा, रीनल वेन में सबसे कम यूरिया होगा, एंड हिपैटिक पोर्टल वेन में सबसे ज्यादा अमोनिया होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन में सबसे ज्यादा अमोनिया या नाइट्रेट जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होंगे। हाँ जी तो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा क्योंकि लिवर में डीअमाइनेशन होता है और उससे ब्लड फिर हार्ट में जाता है और उससे फिर वो रीनल आर्टरी में जाता है। जी हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल सराउंडिंग गार्ड सेल, बच्चा वाला क्वेश्चन है, स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल सराउंडिंग गार्ड सेल, स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल सराउंडिंग गार्ड सेल कौन सा सेल है भाई, बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो क्या वाई सर हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं होगा, बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन में यूरिया कैसे बनेगा, समझो समझो, नाइट्रेट जब अमाइनो एसिड का, समझो समझो समझो, जब अमाइनो एसिड का काम बनता है तो अमाइनो एसिड मेरा रिलीज करता है अमोनिया, अब ये अमोनिया का डीअमाइनेशन कहाँ होता है, लिवर में होता है, तो लिवर में बन गया यूरिया बना, अब ये यूरिया कैसे जाएगा, तो ये यूरिया एक वेन से जाएगा जिसका नाम है हिपैटिक वेन, तो सी हो जाएगा ना आंसर। हाँ हाँ जी क्या है,
हाँ जी सब्सिडियरी सेल्स, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर, सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स इज द करेक्ट आंसर। देखो ये मेरा स्टोमाटा होता है, यहां जो छेद है इसको हम स्टोमाटल अपर्चर कहते हैं, और इसके एडजेसेंट जो सेल्स होते हैं इनको हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, इनके एडजेसेंट जो सेल होते हैं इसको हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स मेरा मोनोकॉट में होता है, ये बबल शेप्ड, बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। और लेंटिसेल्स मेरा बार्क ऑफ स्टेम पे होता है, बार्क ऑफ स्टेम पे होता है, जो मेरा रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन कराता है, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन कराएगा, राइट, जो मेरा रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन कराता है। हाँ जी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल सही, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो इसके साथ वाले सेल्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं, किसी सेल के साथ वाले सेल जो होते हैं जो उनका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन करता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं, बिल्कुल डम्बल से। हाँ ये एनसीईआरटी का है बेटा, देखो जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं है या कोई कोई एक्सप्लेनेशन, कोई कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करके लाया, कोई भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो वो, ऐसे आउटसाइड एनसीईआरटी तो मुश्किल से आपको कितना ही क्वेश्चन मिलेगा। तो हो गया नीट फेज पार्ट वन, नीट 2016 पार्ट वन खत्म। कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया था? टेक्निकली ये एक आया था जो इजी था, दूसरा ये एनसीईआरटी के अंदर था, ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही था, ये एक आया था, तो दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया था नीट 2016 पार्ट वन में, दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया था नीट 2016 बाद। बिल्कुल बिल्कुल फास्ट बाबू, बिल्कुल फास्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो नीट 2016 पार्ट टू पे आते हैं, है ना, दो बार एग्जाम हुआ था नीट 2016 का, आप लोगों को याद होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। हाँ बिल्कुल हर्षिता, जल्दी कर रहा हूं बाबू। चलो चलो आंसर तुम्हारा बारी, नाउ योर टर्न, जल्दी फटाक से आंसर दो। क्या है भाई? टू 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 सर, एक बात बताओ, एनसीईआरटी बनाने वाले सब धुरंधर हैं लेकिन उसमें लिखा क्या है कुछ समझ नहीं आता। कोई नहीं बेटा, होता है कभी कभी, वो क्या हुआ ना सारे जगह की चीजें कंपाइल करके एक जगह डाल दिया गया, तो इसलिए। बिल्कुल सही, टू इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। फ्लोएम सैप जो होता है वो मेरा एल्कलाइन होता है, और जो ये है वो मेरा एसिडिक होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम फ्लोएम सैप की बात करते हैं, फ्लोएम सैप की बात करते हैं, तो ये मेरा एल्केलाइन होता है, और अगर हम जाइलम सैप की बात करते हैं तो जाइलम सैप मेरा एसिडिक होता है। फ्लोएम सैप की बात करते हैं तो एल्केलाइन होता है, और जाइलम सैप की बात करते हैं तो एसिडिक होता है। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी। हाउ मेनी हॉटस्पॉट, यहां पे साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, नॉर्मन मेयर्स, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ आपका, ठीक है। हॉटस्पॉट जो डिस्क्राइब किया था वो नॉर्मन मेयर्स किया था, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। टू होगा, कौन बोल रहा है टू होगा भाई? हाई एल्कलाइन, टू इज द करेक्ट आंसर, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, टू इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, टू इज द करेक्ट आंसर। जाइलम एसिडिक होता है, फ्लोएम ये होता है। चलो जल्दी जल्दी, हाउ मेनी हॉटस्पॉट क्या मिलेगी बाबू? निधि समझ क्यों नहीं आ रहा, फ्लोएम सैप में क्या होगा? सुक्रोज होगा, ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है तो वो उसके कारण वो एल्कलाइन हो जाता है। जाइलम सैप में मेरा मिनरल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, और जिसके कारण एच प्लस आयन्स भी रहते हैं, एच प्लस आयन की वजह से वो एसिडिक हो जाता है। हाँ जी सी, बिल्कुल सही, वर्ल्ड में पहले 25 था, अब 34 हॉटस्पॉट डिस्कवर किए गए हैं, तो आंसर इज सी, वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट है, 34 हॉटस्पॉट वर्ल्ड में है, ठीक है, वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट है। इंडिया में तीन है, बताइए आप लोगों को कौन कौन सा तीन है, इंडो बर्मा, श्रीलंका, और उसके बाद हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स। चलो अगला। हाँ एनसीईआरटी माता की जय, जय, बिल्कुल सही, वेरी गुड गॉप।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, तुम लोग का एनर्जी कम हो रहा है यार, थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ, फिर कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग, अभी तो 1 घंटा 16 मिनट ही हुआ है, थोड़ा एनर्जी बढ़ाइए। When cell has stalled DNA replication fork, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? अगर DNA replication fork मतलब S phase रुक गया है तो कौन सा checkpoint तुरंत काम करेगा? Hotspot जहां पे biodiversity ज्यादा होता है बाबू, ये NCERT का है। A A सर जी, आपने कती भसड़ मचा रखी है, कौन सा भसड़ मच गया भाई? श्रीलंका इंडिया का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, अरे वैसे नहीं, मतलब इंडो वर्मा एंड श्रीलंका वो उसका पार्ट है ना, वो है 1111111 हॉटस्पॉट जहां पे बाबू सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होता है। 2N1 जिसका आंसर 2 है, शाहरुख वेरी गुड, समरीन वेरी गुड, 2 इज द करेक्ट आंसर। नहीं भाई सुनो सुनो सुनो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, G1S फेज के बाद, G1S फेज के बाद आदमी S फेज में आता है, ठीक है, और S फेज अगर स्टॉल हो जाता है तो इसके एक्टिवेट करने के लिए हम तुरंत माइटोसिस कराते हैं और हम G2M फेज को एक्टिवेट करते हैं, इसको लिख लो चेक पॉइंट में, ठीक है। कभी भी जब S फेज स्टॉल हो जाता है तो हम दूसरे फेज में प्रीडोमिनेंटली चले जाते हैं, तो बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। सुरेश वेरी नाइस गाय, सुरेश गुड, गुड जॉब सुरेश, गुड जॉब संतोष कुमार, यही सब क्वेश्चन आपका डिटरमाइन करता है। शुभम सिंह गुड जॉब, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, ठीक है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, G2/M फेज जो है मेरा वो करेक्ट होगा, अगर हम स्टॉल करते हैं तो G2/M फेज जो आएगा वो करेक्ट होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, G2/M फेज होगा। समझ में नहीं आया हरिनम, देखो बाबू पूरा चैप्टर समझाना मुश्किल नहीं है, देखो क्या होता है, ये मेरा अगर फेज की हम बात करें, ये ऐसा फेज होता है G1 S G2 M और G0, ठीक है। अब क्या होता है, G1 और S फेज क्या होता है, वो चेक पॉइंट होता है, जब सब कुछ देख लिया S फेज तक काम किया तो सेल जो है G2 M फेज को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अगर मान लो S फेज स्टॉल हो गया, मतलब S फेज का या तो काम रुक गया या S फेज का काम कंप्लीट हो गया, तो ये कोई बात नहीं बाबू, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्या करोगे, ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया है, तो आंसर चेक पॉइंट वाला है आपके पहले, ये एक्चुअली ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछले एनसीईआरटी जब पहले के पुरानी एनसीईआरटी थी उनमें चेक पॉइंट दिया रहता था, इस बार एनसीईआरटी में चेक पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, लिख लो इसको गाइज। मैं जो भी डाउट होगा, मैं आपके टाइम बचेगा तो मैं सारे डाउट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, हाँ बता दूंगा बाबू। अच्छा गुड रीदा, वेरी नाइस, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने सेल डिवीजन में कराया है सनी, है ना। चलो तो बी इज द करेक्ट आंसर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूएल वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आज मैंने सुबह ही गलती किया है, आज एक्चुअली पता है तुम लोग भी अगर गलत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आज मुझसे सुबह ही गलत हुआ है, ये मैंने मेरे जो कोई प्लस वाले बच्चों के आज सुबह मैंने इसका गलत आंसर दे दिया था यार, ठीक है, जो मेरे प्लस वाले बच्चों के वो बताएंगे अभी। हाँ क्या हुआ, भसड़ क्या होता है बाबू, रेजोनेंस बेटा यार, तुम आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे मैं कैसे बताऊंगा, अभी समझो ना, मैं मुझे 70 क्वेश्चन से ऊपर कराने हैं, थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आंसर बताइए इसका। हाँ बिल्कुल सब एनसीईआरटी बेस्ड है जी, बिल्कुल सर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। सी 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 सब तुम लोग यार स्मार्ट हो, तुम लोग देखो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हो, आज क्वेश्चन ये मुझसे गलती हो गया था, ठीक है। नोकिको रिसेप्टर जो होता है, नोकिसी रिसेप्टर जो होता है, ये मेरा जो स्टिमुलस मरता है या जो नर्व फाइबर मरता है उसके लिए होता है, तो ये मेरा पेन रिसेप्टर होता है, ठीक है। और ये मेरा जो मेसिनस कॉम्प्लेक्स होता है ये स्किन में होता है, ये मेरा टच के लिए होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक। फोटो रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल होता है जैसे स्टिमुलस, कोई भी रिसेप्टर जो स्टिमुलस होता है इनिशियली जो पोटेंशियल जनरेट करता है
उसको ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। तो जो भी स्टिमुलाई इनिशियली जो भी स्टिमुलाई जनरेट होता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ग्रेडेड पोटेंशियल। तो दिस इज करेक्ट, इट इज ग्रेडेड पोटेंशियल। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज मतलब दे प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल। तो रिसेप्टर्स प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, तो बचा क्या, आंसर सी हो गया। ठीक है, आंसर सी हो गया, बिल्कुल आंसर सी हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ये मुझसे भी गलत हुआ था तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज सुबह मैं आधे नींद में था और मैंने गलत ये बता दिया था। हाँ चलो, आंसर सी हो गया। चलो जोर से बोलो भसड़। ग्रेव्स डिजीज, बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता दो सब। आपने डी किया है? नहीं नहीं आप, मैंने यार बी बोल दिया था गलती से। क्या हुआ था, मुझे लगा कि डी पोलराइज में तो खुलेगा ना, डार्क नहीं होगा। हाँ जी नहीं, एनसीईआरटी में, तभी तो मैं आपको करा रहा हूँ बेटा। जो जो एनसीईआरटी में नहीं है कुछ चीज़ें, या एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया है या एनसीईआरटी में साफ नहीं दिया, वही तो करा रहा हूँ। अरे यार रेजोनेंस, तुम क्या रेजोनेंस कर रहे हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। तुम अभी इसको फॉलो करो, जितना बता रहे हो उसको फॉलो करो। क्वेश्चन पूछने का काम मेरा है, आंसर देने का काम तुम्हारा है आज। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, हद हो रहा है यार। थैंक यू रिदा। चलो ए बी थ्री, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, एड्रीनल ए बी सी सब कुछ हो गया, ए बी सी सब हैं। हाइपोसिक्रीशन 1 3 3, देखो ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव मतलब क्या लगता है, मरा हुआ आदमी जैसा। तो क्या होता है कि भूतिया आदमी हो जाता है, मतलब आदमी एकदम सूखली सा हो जाता है। मेरे जैसा सूखली नहीं, थोड़ा और बेटर क्वालिटी का सूखली। ठीक है, आंख एकदम पेल हो जाएगा, आंख बाहर प्रोट्यूट कर जाएगा, बाल निकल जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, धक 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 धक। तो मतलब अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, आंख प्रोट्यूड कर रहा है, आंख प्रोट्यूड कर रहा है बाहर, तो इसको हम कहते हैं, तो क्या होता है, इट इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ज्यादा होता है तो मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा बाहर आ जाता है। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बाबू, आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसकी सारी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से मेरा आदमी जॉम्बी टाइप हो जाता है, एकदम जॉम्बी, देखो ना बस जॉम्बी टाइप हो जाता है। हाँ, एक्सोथैल्मिक गोइटर, बिल्कुल सही शुभम राज। ठीक है, एक्सोथैल्मिक गोइटर, इट इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाँ जी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी से, थोड़ा एनसीईआरटी के घुमा के है, बताइए जल्दी। 2020 में कितने क्वेश्चन एनटीआर के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी है? जीरो, बड़ा वाला, देखो ऐसे 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 बड़ा वाला जीरो, टेंशन मत लो। चलो चलो अगला क्वेश्चन जल्दी ले लिए यार, तुम्हारे लिए साइड हट के मैं, जल्दी बताओ आंसर। क्या हुआ निखिल, अभी भी तुम लोग होमवर्क पूरा नहीं किया बाबू, अभी भी 142 ही है। 200 से कम हुआ तो उठा के पटक देंगे तुम लोग सबको। 200 तीन घंटे का 200 होना चाहिए। हाँ, पीडीएफ व्हाट्सएप पे दोगे क्या निखिल? नहीं, पीडीएफ व्हाट्सएप पे नहीं बाबू, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा पीडीएफ। बी सर, आई फील ए उसका आंसर था। किसका फीलिंग भाई, फीलिंग उसको आप नहीं बाबू, हाइपर सिक्रीशन होता है। क्या बात करो यार, गोइटर होगा ना हाइपर सिक्रीशन से। पढ़ा लिखा डॉक्टर है, समझो, भरोसा रखो अपने ऊपर, कभी कभी गलती हो जाता है हमसे, बट पढ़े लिखे डॉक्टर है। हाँ जी, क्या है क्या है क्या है क्या है, बी थ्री बी सी, अरे क्या क्या निकल रहा है मेरे मुंह से। देखो क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक मोनोमर बनता था। क्या होता था, एटॉमिक स्टेज के बाद केमिकल स्टेज में क्या आता था, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मेरा बनता था प्रोटोइबॉन्ड्स। दो तरह का था, एक था सीओ सर्वेट्स और एक था प्रोटीनॉइड्स। तो सीओ सर्वेट मेरा लिपिड का बना था, प्रोटीनॉइड्स मेरा प्रोटीन का बना था। तो पहला हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। तो कितना हुआ, तो इन लोग के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं था, लिपिड और प्रोटीनॉइड वाले के पास, सीओ सर्वेट्स और प्रोटोसेल के पास मेरा जेनेटिक मटेरियल नहीं था। तो आंसर इज
टू थ्री वन फोर, थ्री इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइज, थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अर्षिता, 20 मिनट में वापस आइए। चलिए क्या है, थ्री इज द करेक्ट आंसर, थ्री इज द करेक्ट आंसर, कोई बात नहीं दीदा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सेशन, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी, सेशन अच्छा लग रहा है, 1.5 घंटे हो गए, पता चला 1.5 घंटे हुए, मुझे तो नहीं चला पता, आप लोगों को किसी को बोरिंग लग रहा है सेशन, हाँ या नहीं मैं जवाब दो, ऑनेस्ट ओपिनियन, बोरिंग लग रहा है तो बताओ, यूजलेस लग रहा है तो बताओ सर, ऐसे क्लासेस मत कराओ, कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ तो। चलो अगला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस, अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस विच वन इज अ मराइन फिश हैविंग सोर्स ऑफ ओमेगा 3 प्रोटीन। ये मुझे नहीं पता था आंसर, इसका आंसर मुझे ढूंढना पड़ा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आयुषी, चलो हाँ हाँ बिल्कुल फुल पढ़ेंगे बाबू, सब सब फुल पढ़ेंगे, चलो 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 अगला। अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ओमेगा बी प्रोटीन। डी, बिल्कुल सही यार, तुम लोग स्मार्ट हो मुझसे, ये मुझे नहीं आता था, मेरा थोड़ा मछली वछली में हार्ट टाइट है ना, एनिमल किंगडम आते प्लांट किंगडम आते मेरा फुस हो जाता है, तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, द आंसर इज डी मैकरल, ये तो मुझे गूगल करना पड़ गया था, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके फिश में होता है, ठीक है, और मेराइन फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है, और तुम्हारा मैकरल तुम्हारा मेराइन फिश है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग देखो यार कितने स्मार्ट हो, देखो मेरे से जो क्वेश्चन नहीं बना वो भी आप लोगों से बन रहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी के बाहर का है। मम्मी बुला रही है डिनर के लिए, मम्मी को बोलो आज एकदम मैराथन चल रहा है, 30 नंबर बढ़ाना है नीट में, डिनर 10 बजे रात में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बॉर्न जीनियस, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द होम टू फेमस मस्क डियर और हैंगुल, बता दो भाई। थैंक यू अंशु, ऑर्गेनिजेशन एंड पॉपुलेशन में आपका लेक्चर में आपने बोला है, बिल्कुल मैंने बोला है ना, मैं सैमन फिश लिवर ऑयल मैं भी खाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बी और डी, बी और डी, बी और डी, अब ये एक हॉरर क्वेश्चन है यार, देखो क्या हो रहा था, नेशनल पार्क कुछ कुछ मैंने बोला था ना आपको, ऑर्गेनाइजेशन पार्क, मेरा कोई एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट फॉलो कर रहा होगा, बहुत लोग होंगे जो मेरे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ 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 नेशनल पार्क कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम आपको याद करने, ये हर बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ आपको, तो इसमें क्या है तुम्हारा, ये जो है डकिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ये मस्क डियर के लिए होता है, डकिंगम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर है ये मस्क डियर के लिए होता है, डी इज द करेक्ट आंसर, हाँ जी डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, तो ये था नीट 2016, कितना क्वेश्चन बाहर से आया था भाई, पहला दो, ये ठीक है इसको नहीं मानते, दूसरा ये ठीक है एनसीईआरटी से था, तीसरा चौथा पांचवा, तो नीट 2016 पार्ट टू में 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आया था और थोड़ा टफ पेपर था ये, ठीक है सर, क्या एम्स डॉक्टर सर क्या नया एनसीईआरटी के बाहर का नहीं, क्या हम क्योंकि ये वीडियोस अपलोड करोगे क्योंकि हम एग्जाम 3 नवंबर को है, थोड़ा रिवीजन वीडियो, बिल्कुल 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 अपलोडेड रहेगा बाबू, ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, टेंशन मत लीजिए, आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नीट 2016 पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म, ठीक, अब आते हैं AIPMT 2015,
बाबू 1.5 घंटे में 5 साल का पेपर कंप्लीट करना है, तो स्पीड बढ़ाना है जल्दी। 1.5 घंटे में 5 साल का पेपर कंप्लीट करना है, स्पीड बढ़ाना है। वी आर हाफ वे थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो बन जाएगा सबसे। चलो एक तुम लोग को बोनस क्वेश्चन मिल गया यहां पे, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो सबसे बन जाएगा, राइट? क्या है सर, क्या एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन है? बाबू एम्स का अभी कोई बात ही नहीं करते ना, एम्स होगा तब तो एम्स का दिखा जाएगा, अभी तो एम्स है ही नहीं। हाँ जी, पीडीएफ मिलेगा। ग्रेव डिजीज बाबू बताए थे, ग्रेव डिजीज कैसे होता है? जब आपका हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, या थायराइड में कोई ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से ग्रेव डिजीज होगा। हाउ हर्निया अकर्स इन फीमेल? बाबू हर्निया फीमेल में बहुत कम होता है। जब प्रेग्नेंट औरत होती है जिनका सी सेक्शन होता है, उनके में इंटेस्टाइन कभी कभी प्रोट्यूड कर जाता है, तो उसमें हर्निया होता है। अंशु 4, अतुल ए, क्या है भाई? चलो देखते हैं। हाँ जी तेजा बोलिए। ठीक है चलो भाई, चलो। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमेन विथ नॉर्मल साइट। ठीक है, कलर ब्लाइंड मैन मतलब XCY मैरिज अ वुमेन विथ नॉर्मल साइट, XX दैट हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड? तो सन को तो कुछ नहीं होगा, XCX, XCX, XY और XY। ठीक है, तो अब मेरी XCX वाली, XCX को मल्टीप्लाई करो XY से, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी? तो XCX और XY, तो XCX, XCY, XX और XY, तो प्रोबेबिलिटी इज 0.25। ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी इज 0.25, 0.25। कैसे 4 कर रहे हो यार तुम लोग? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ग्रैंड सन पूछ रहा है, क्या कर रहे हो? बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो सुनो, देखो फिर से बता रहे हैं। देखो अ कलर ब्लाइंड मैन, सुनो क्या पूछ रहा है। देखो कलर ब्लाइंड मैन, उसका ग्रैंडसन पूछ रहा है। तुम लोग यार इस तरह का करोगे फिर तो, अभी हम बड़ाई कर रहे थे तुम लोग का। कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमेन विथ नॉर्मल साइट, तो कलर ब्लाइंड मैन मेरा कैसा है? XCY, ही मैरिज अ वुमेन विथ नॉर्मल साइट। नॉर्मल साइट वाली वुमेन क्या होगी? XX। तो क्या हो गया? XCX फीमेल कैरियर, XCX फीमेल कैरियर, XY मेल नॉर्मल, XY मेल नॉर्मल। अब इसका ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, तो इसको, इस लड़की का शादी कराओ XY के साथ। तो अब XCX, इसका शादी हुआ XY के साथ, तो क्या हुआ? XCX, XCY, XX और XY। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसका होने का, ग्रैंड सन का? ग्रैंड सन का होने का प्रोबेबिलिटी 25% है, दैट इज 0.25। इट्स ए, कैसे 25% बाबू? प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड। अच्छा ग्रैंड सन पूछा है, ग्रैंड सन पूछा है तो बी हो सकता है। हाँ ग्रैंड सन पूछा है तो बी हो सकता है, बिल्कुल ऋत्विज, अगर ग्रैंड सन पूछा है तो बी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ग्रैंड सन पूछा है, तो ग्रैंड सन में इसमें प्रोबेबिलिटी 25%, 50% हो सकता है। ठीक है, प्रोजेनी पूछता तो 25% होता, और ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन में 50% ऑफ ग्रैंड सन, सन के बारे में पूछा है, तो मेल्स पूछा है तो 50% होगा या 0.5 होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर, अगर प्रोजेनी पूछता तो ए होता, नहीं तो बी होता। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। हाँ 115 हो गया, चलो कोई नहीं। चलो अगला, बेटा का बच्चा इंक्लूड है, बेटा का बच्चा इंक्लूड कैसे कर सकते बाबू? हाँ जी, बेटा का बच्चा इंक्लूड नहीं कर सकते। 0.5 कैसे हुआ बाबू इसमें? देखो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, तो सन कितना होना है? सन का प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% ऑफ द सन, तो 50% है ना, तो दो सन है, अगर ग्रैंड सन ये है तो ग्रैंड सन में से 50% ऑफ ग्रैंड सन को प्रोबेबिलिटी है ना, ग्रैंड सन की बात करें तो 50%।
बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल सही संतोष, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है ठीक है, बी करेक्ट है। मैंने क्वेश्चन प्रोजेनी देखा, मैंने ग्रैंडसन वाला पार्ट ठीक से देखा नहीं, ठीक है, प्रोजेनी देखा। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ नेक्स्ट क्या है? द प्राइमरी डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ। तो बच्चा वाला टीथ क्या होता है? चाइल्ड में होता है डेंटिशन 2102/2102। ये मेरा है चाइल्ड में होता है, एडल्ट में क्या होता है 2123/2123। तो कौन सा वाला पार्ट है? प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर मोनोफायोडोंट है और प्रीमोलर एडल्ट डेंटिशन में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, थ्री इज द करेक्ट आंसर, थ्री इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ प्रीमोलर यहां नहीं होगा और थर्ड मोलर होगा, थर्ड मोलर होगा, ठीक है। तो आंसर इसका ज्यादा करेक्ट आंसर प्रीमोलर होगा, ठीक है। तो थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। हाँ जी थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जल्दी। हाँ जी क्या है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन ऑफ, किसके एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन से एसिड रेन इंक्रीज होगा? सर मोलर भी तो होगा, मोलर सिर्फ थर्ड मोलर बाबू, सिर्फ थर्ड मोलर होगा। हाँ जी लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब मोलर भी एक कम होगा ना, क्यों नहीं होगा? मोलर एक, सिर्फ एक मोलर है ना बाबू, थर्ड मोलर कम होता है ना। तो बट अगर मोर अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो टू होगा ना। हाँ जी चलो अगला क्या है भाई? एसिड रेन इज कॉज बाय द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन ऑफ, किसके एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन से एसिड रेन होगा? बिल्कुल सही, टू, टू इज द करेक्ट आंसर, SO2 and NO2। बिल्कुल सही, SO2 and NO2 से एसिड रेन होगा, SO2 और NO2 से एसिड रेन होगा। बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। एसिड रेन मेरा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में निकलता है और ये कोरोड करता है बिल्डिंग्स को। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विजडम टीथ कैसा है? विजडम टीथ वही हो गया ना बाबू, जो तुम्हारा विजडम टीथ थर्ड मोलर हो गया, वही तो विजडम टीथ हुआ ना। हाँ जी चलो अगला अगला, जल्दी जल्दी थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ यार, थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ, तो एनर्जी कम हो रहा है सबका, थोड़ा एनर्जी बढ़ाते हैं। चलो जल्दी गाइस, अभी 35 क्वेश्चन और करना है, अभी 35 क्वेश्चन और करना है हमें। हाँ जी ताजमहल में विजडम टीथ बाबू, थर्ड मोलर टीथ जो होता है वो आपका विजडम टीथ होता है, जो आपके प्यूबर्टी आने के बाद आता है, मतलब प्रोबेबली 18 इयर्स 19 इयर्स 20 इयर्स के बाद आता है। मेरा अभी तक नहीं आया तो क्या करोगे, ठीक है। तो विजडम टीथ होता है वो। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केल्टल मसल, तुम लोग सब खाने जा रहे हो क्या भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केल्टल मसल, स्केल्टल मसल सिस्टम का क्या फंक्शन नहीं है? क्या है? कुछ लोग टू कह रहे हैं, कुछ लोग फोर कह रहे हैं, चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या है भाई। लोकोमोशन तो स्केल्टल मसल का फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट कहां प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो, तो बोन मैरो कहां होगा? बोन में, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ स्केल्टल मसल, ठीक है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस स्टोर होता है, तो ये भी ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केल्टल सिस्टम, स्केल्टल सिस्टम का फंक्शन नहीं है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो आंसर क्या हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ऋतुई डेंटिशन, डेंटिशन मतलब मेरा होता है, देखो डेंटिशन एडल्ट 2123/2123, ठीक है। टीनेजर्स का हो गया 2122/2122 और चाइल्ड का हो गया 2102/2102, ठीक है। बहुत किताब में 2120 लिख देता है जो गलत होता है। हाँ
ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला, ये क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय अ प्रोटोजोअन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय अ प्रोटोजोअन। जल्दी 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 स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, आप थोड़ा जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय अ प्रोटोजोआ। सर जी चौमिन खाओगे? नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वेरी गुड रिया, चलो सी डी सी डी सी डी सी डी सी। क्या हो रहा है भाई, थ्री और डी कैसे कह रहे हो यार? ब्लास्टोमाइकोसिस प्रोटोजोआ डिसीड है यार। ब्लास्टोमाइकोसिस मेरा होता है फंगल, सिफिलिस मेरा तुम्हारा क्या हो गया, काइंड ऑफ बैक्टीरियल या माइक्रोस्पाइट्स, ठीक है। इन्फ्लुएंजिया वायरस, बेबियोसिस मेरा होता है प्रोटोजोआ से एंड इट इज इन्फेक्टेड बाय टिक, टिक इसका वेक्टर होता है जो बेबियोसिस कैरी करता है। तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बेबियोसिस स्वीट नेम नहीं होता बाबू, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्क बन जाता है, ऐसे हाथ पे देखोगे ना टिक जब काटता है तो ऐसे ऐसे मार्क बन जाएगा, उसके बाद ब्लिस्टर्स हो जाता है और उस पर पस्टूल्स आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, फोर इज द करेक्ट आंसर, फोर इज द करेक्ट आंसर बेबियोसिस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया हुआ था और ये AIPMT 15 में आया हुआ था, ठीक है। हाँ जी, टिक वेक्टर है, ठीक है, टिक जो है इसका वेक्टर है एंड इट इज कॉज बाय अ प्रोटोजोआ। चलो अगला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इज देयर स्टिल अ चांस टू क्रैक नीट डिफाई? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई शिवराज, अभी तो 6 महीना बाकी है, 6 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है, हम तो 3 महीने आशिकी भी कर लिए थे इस टाइम पे। चलो अगला। सर हाउ डू यू रिमेंबर सच नेम्स? बेटा आदत हो गया, वो मेडिकल कॉलेज जाओगे 19 किताब आपको पढ़ना है तो याद तो रखना ही पड़ेगा। चलो अगला अगला अगला, जल्दी। बेबी मेरा नाम, चलो टाइम पास मत करो, हट। अगला अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेल्यूलर? कौन सा इसमें से ए सेल्यूलर है, जल्दी। मेरा नाम बेटा आनंद है। चलो क्या है भाई आंसर, क्या है? थ्री, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग थ्री बोल रहे हैं, कुछ लोग टू बोल रहे हैं, वन। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग बताओ, ए सेल्यूलर बोल रहा है तो होता क्या था, फॉलिकुलर सेल्स तुम्हारा, तो पहला क्या होता था, मेरा जोना पेलिसिडा है, जोना पेलिसिडा सेल का ही बना होगा ना, तो ए सेल्यूलर कैसे हो सकता है, ठीक है, ए सेल्यूलर कैसे हो सकता है? स्ट्रोमा सिर्फ मेरा फ्लूइड फील्ड स्पेस है, स्ट्रोमा सिर्फ मेरा फ्लूइड फील्ड शेप स्पेस है, तो सिर्फ स्ट्रोमा ही मेरा ए सेल्यूलर होगा ना, बाकी सब तो सेलर होगा, ग्रैनुलोसा सेल मेरा सेलुलर होगा, ग्रैनुलोसा सेल है तो सेलुलर हो गया, जोना पेलिसिडा सेल का बना है तो सेलुलर हो गया, थीका एक्सटर्ना बाहर वाला रीजन है वो भी सेल का बना है तो सेलुलर हो गया, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, कॉमन सेंस, डी, कॉमन सेंस यूज कीजिए ना, स्ट्रोमा फ्लूइड फिल स्टेज, ओवेरियन स्ट्रोमा किसी चीज का फ्लूइड फिल स्टेज जो होता है वो होगा, डी इज द करेक्ट आंसर है। वन 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 क्या कर रहे हो बेटा? हाँ लक्ष्य मैं डॉक्टर हूँ बेटा। बुशरा ए, ए कैसे भाई, डी होगा, क्या कर रहे हो तुम लोग बालक? ये देखो ब्लास्टोसिस का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ऐसे, ये बाहर वाला लेयर हो गया, थीका एक्सटर्ना बाहर वाला लेयर हो गया, तो थीका लेयर है तो लेयर किसका बना होगा, लेयर सेलुलर ही होगा ना, लेयर तो सेल का ही बना होगा तो सेल, यही सब क्वेश्चन सिलेक्शन रोकता है बच्चों, ग्रैनुलोसा सेल, थीका इंटरना सेल, जोना पेलिसिडा सेल, कौन सा सेल नहीं है, ए सेलुलर। कैसे ए सेलुलर बता दिया बेटा कोचिंग में, गलत बताया अगर ए सेलुलर बताया तो, ठीक है, स्ट्रोमा फ्लूइड है, फ्लूइड में सेल कैसे हो सकता है ना, स्ट्रोमा फ्लूइड है तो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, इसको लिख लो,
लिख लो, सबका गलत हुआ, इसको लिखो 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 जल्दी। क्या रिप्लाई करना है गो लाइव स्ट्रीमर बाबू? सर रिफ्रेश योर चैट। रिफ्रेश माय चैट, अच्छा चलो रिफ्रेश करते हैं चैट, कर लिया रिफ्रेश। हाँ तो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड कहीं भी, फ्लूइड क्लोरोप्लास्ट नहीं, यहां पे अगर इसमें आ गया ओवेरियन स्ट्रोमा है ना, फ्लूइड फिल स्पेस, और या जो तुम्हारा जो ये तुम्हारा जो उसका फ्लूइड फिल स्पेस था वो भी स्ट्रोमा था ना। हाँ जी, तो फ्लूइड है ना, तो डी होगा स्ट्रोमा। ठीक है सब लिख लिए, चलो अगला क्वेश्चन। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल बताए थे, बताया था मैंने ये आप लोगों को जब मैंने तैयारी कराई थी, जो मेरा कराया होगा क्वेश्चन उन्होंने देखा है। सर इज बाय एनुअल बीज गुड फॉर स्टडिंग? अरे यार कोई क्यों पढ़ोगे कोई दूसरा किताब बाबू, शिवराज सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ जी साहिल, चलो चलो जल्दी ले लिए, जल्दी जल्दी ले लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ, डिस्ट्रक्शन इन एंटीरियर हॉर्न सेल। चलो चलो चलो, अरे यार तुम लोग कहां कहां से सवाल पूछ रहे हो, जरूरत नहीं है बेटा तुम लोग इसको करो ना। सी टू सी टू, डी हो है, टू है और सी भी बोल रहे हो तुम लोग। देखो देखो क्या होता है इंपल्स, देखो कैसे होता है इंपल्स, सुनो। ये मेरा आया स्टिमुलस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बालक, ये मेरा आया स्टिमुलस, स्टिमुलस से आया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से आया कहां, सेंसरी न्यूरॉन से आया डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया से आया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में आया, वेंट्रल हॉर्न को हम एंटीरियर रीजन कहते हैं, तो ये मेरा आ गया वेंट्रल हॉर्न, तो ये वेंट्रल हॉर्न से आया। ठीक है, और वेंट्रल हॉर्न क्या कर रहा है, वेंट्रल हॉर्न रेगुलेट करता है तुम्हारा किसको किसको, हाँ तो वेंट्रल हॉर्न तुम्हारा मोटर न्यूरॉन को रेगुलेट करेगा, मोटर न्यूरॉन को, तो मोटर न्यूरॉन मेरा फंक्शन रुक जाएगा, मोटर न्यूरॉन से मतलब इफेक्टर तक इंपल्स नहीं जाएगा, इफेक्टर तक इंपल्स नहीं जाएगा, तो आंसर क्या होगा, वॉलेंट्री मोटर मसल्स, वॉलेंट्री मोटर इंपल्स, वॉलेंट्री मोटर इंपल्स, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा इट इज नॉट, शिवराज क्यों टाइप कर रहे हो बार बार, नहीं इट इज नॉट। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है थ्री इज द करेक्ट आंसर, मोटर न्यूरॉन थ्री इज द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा शुभम गलत है बेटा आपका, ठीक है थ्री इज द करेक्ट आंसर, एंटीरियर हॉर्न तुम्हारा वेंट्रल साइड पे होगा, वॉलेंट्री मोटर इंपल्स के लिए होगा, ये मोटर इंपल्स के लिए होता है वेंट्रल हॉर्न। ठीक है तो थ्री इज द करेक्ट आंसर। हाँ बोलो राघवेंद्र क्या डाउट है, चलो चलो। हॉर्न बाबू ये होता है ना, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड में देखो ये रीजन होता है ऐसे, यहां पे मेरा तुम्हारा ये वेंट्रल हॉर्न होता है, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम वेंट्रल हॉर्न कहते हैं। ठीक है तो वेंट्रल हॉर्न यहां से निकलता है, जो वेंट्रल हॉर्न से निकलता है और वेंट्रल हॉर्न से सिग्नल आता है। ठीक है, अरे यार तुम लोग रेबीज कहां कहां से क्या क्या पूछ रहे हो, लॉजिकल यहां पे क्वेश्चन फॉलो करो। ठीक है, कॉमिशनल इंपल्स जो होता है ये टू इंपल्स को कनेक्ट करता है, जैसे मेरा इंटर न्यूरॉन हो गया, ठीक है तो जो दो इंपल्स को कनेक्ट करेगा वो मेरा कॉमिसरल इंपल्स होगा। ये मैंने क्लास में कराया है क्वेश्चन यार, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया आपको क्लास में, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। सुनो चलो मैं एक बार बता रहा हूं, सुनो 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 आप लोग शांत हो जाओ, मैं एक बार बता रहा हूं, देखो क्या होता है समझो। ये मेरा सॉरी कहां गया, ये मेरा स्टिमुलाई है, ये रिफ्लेक्स का पार्ट है। ठीक है, स्टिमुलाई मेरा कहां आया, रिसेप्टर पे आया, रिसेप्टर से सिग्नल मेरा जाता है सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन का जो मेरा एग्रीगेशन होता है, ध्यान से सुनना फिर बाद में बोलना समझ नहीं आया। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का जो एग्रीगेशन होता है वो होता है मेरा
डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया से ये जाता है मेरा स्पाइनल कॉर्ड में, और ये स्पाइनल कॉर्ड के पहले डॉर्सल हॉर्न रीजन में जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वहां से स्पाइनल कॉर्ड से ये जाता है मेरा कहां पे, मोटर न्यूरॉन में, बाय द हेल्प ऑफ वेंट्रल हॉर्न। तो वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट गैंग्लिया में जाता है और मोटर न्यूरॉन से मेरा ये इफेक्टर में आता है, मोटर न्यूरॉन से मेरा ये इफेक्टर में आता है। तो ये मेरा आ गया तुम्हारा कहां, ये मेरा आ गया वॉलंटरी मसल फाइबर्स। हाँ जी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया यहां से, यहां से। तो जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे होता है, ठीक है। तो यहां से डॉर्सल रूट गैंग्लिया आया, ये डॉर्सल हॉर्न में आया, यहां पे इंटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है और वेंट्रल हॉर्न से यहां निकलता है। तो ये वाला जो रीजन होता है वो वेंट्रल हॉर्न होता है, और इस वेंट्रल हॉर्न से जाता है मेरा वेंट्रल रूट गैंग्लिया। तो मेरा मोटर न्यूरॉन का फंक्शन इंपेयर्ड हो जाता है, मेरा मोटर न्यूरॉन का फंक्शन इंपेयर्ड हो जाता है। हाँ जी यार, सब 2020 एनसीईआरटी से आया, कब नीट का क्रैश कोर्स आपका, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, बेल्बियानी रिंग्स, यार प्लीज आप लोग चैट करेंगे तो फिर मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा, थोड़ा कंसंट्रेट कर लेते हैं ना, एक घंटा आप लोग पढ़ लेते हैं, अगर जिनको नहीं पढ़ना है आप लोग जा सकते हैं बच्चों, ठीक है, मैं 2 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सीरियस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, 3 घंटे मैंने क्लास लेने के लिए एग्री भी इसीलिए किया कि मैं चाहता था एक दिन में ऐसा हो कि आपके सारे एनसीईआरटी का कॉम्पोनेंट आ जाए कंप्लीट, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सीरियस हो जाते हैं ना, 2 घंटे हो गया, मेरी भी एनर्जी की कुछ एक लिमिट होती है, चलो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, चलो। हाँ जी, चलो क्या है भाई, बेल्बियानी रिंग 1111111111, बिल्कुल सही, सबका 1 है, ठीक है, बिल्कुल। बेल्बियानी रिंग्स ये होता है, देखो ऐसे मान लो जो मेरा स्लाइड है, तो इसमें पफ्स फॉर्मेशन होता है मेरा पॉलीटीन क्रोमोसोम में, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम में मेरा पफ का फॉर्मेशन होता है, ये जो पफ्स होता है, इस पफ्स के रिंग को हम बेल्बियानी रिंग कहते हैं, ठीक है। ये मेरा आता है पॉलीटीन क्रोमोजोम, जो तुम्हारा लैम्ब्रस पॉलीटीन क्रोमोजोम होता है, राइट। तो आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, जिसको जिसका काम हो गया मेरा आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। चलो अगला, जल्दी जल्दी जल्दी, ये इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन आया था जो इस तरह का आया था, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहो, बट आया था तो इसलिए कर लेते हैं, गलती से अगर रिपीट हो गया तो। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, एकदम लिखवा के ले लो हमसे। हाँ जी, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, बिल्कुल सही सनी। ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है बाबू, लेयर एक आउटर रीजन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बहुत सारे सेल का भी आउटर रीजन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंटीजन साइट क्या चीज का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का, भरोसा रखो बेटा, जब इंसान पे बात आए, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बात आए, तो हम पे भरोसा रख सकते हो, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, ठीक है, प्लांट फ्रॉग मेढक मछली उस पे आए तो आई विल एक्सेप्ट माय मिस्टेक्स, डोंट वरी। हाँ जी बिल्कुल 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 अच्छे, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता था यार, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होंगे, टेंशन मत लो, आंसर इसका सी दोहा है, ठीक है, इसलिए इस तरह के आंसर्स अब आएंगे नहीं, टेंशन मत लो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था इसलिए मैंने ये डाल दिया, लोड नहीं लेते। अगला आएगा तो क्या होगा मेरा, आपका भरोसा रखो बालक, जब इतना बोले, देखो इस अब नीट 2015 में, आप देखो आप ट्रेंड का चेंज देखो, कितना क्वेश्चन आया एनसीईआरटी के बाहर, देखो 1 2 3, ये तो एनसीईआरटी के बाहर ही है, 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर था जो टफ था, जो एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो नीट 2015 का क्वेश्चन एक्चुअली माना जाता था टफ था, बट उसमें भी सिर्फ 4 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आए, तो देख लो तुम लोग ट्रेंड देखो,
ठीक है, ये ट्रेंड देखो कि आपको समझ में आ रहा है, मतलब 2015 की बात कर रहे हैं हम लोग, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, फिर भी चार ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बारे में आता है। चलो नीट 2014, 4 साल और हम लोग को चलना है अभी आगे साथ, नीट 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था यार, देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, मैंने गूगल किया, मुझे आंसर देखना पड़ा इसका, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो क्या होता है ना, कोई चीज नहीं आता आपको तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कोई दुख नहीं होता उसमें। हाँ जी आंसर जल्दी, दोहा इज अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, अच्छा वेरी नाइस। चलो अगला, यू शुड ट्राई बैक स्लाइड्स। कहाँ से बैक स्लाइड ट्राई करूँ बाबू? अच्छा ब्लैक स्लाइड्स, अच्छा ब्लैक स्लाइड से क्या होता है, लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं सनी शुभम। एक था शुभम, एक था वही वो सर, हाँ बिल्कुल सही, डी, वेरी नाइस यार, तुम लोग सब पढ़े लिखे हो बहुत, हमसे ज़्यादा ही आता है तुम लोगों को, मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन का आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल। स्पैग्नम जो होता है वो तुम्हारा पीट फॉर्मेशन करता है, सॉइल पे जो वो ब्राउन कलर वाला जो डिकम्पोज पोर्शन होता है उसको स्पैग्नम कहते हैं, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। पीट ये होता है, देखो मैंने गूगल किया था, सॉइल पे जो ये ऐसे 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 पोर्शन हो जाता है ना ब्लैक कलर वाला, इसको हम पीट कहते हैं, एंड आंसर आपका स्पैग्नम है, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, गुड जॉब गाइस। अगला, फ्रूट कलर ऑफ स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्रूट कलर ऑफ स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी, अच्छा एनसीईआरटी में लिखा है, गुड गुड गुड। क्या हुआ गो लाइव स्ट्रीमर, चलो अगला अगला जल्दी इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, 47 है यार, अभी 25 क्वेश्चन और करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सी 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 थ्री, चलो क्या है भाई, फ्रूट कलर ऑफ स्क्वैश, फ्रूट कलर ऑफ स्क्वैश क्या कर रहे हो तुम लोग, फ्रूट कलर ऑफ स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस। डोमिनेंट एपिस्टासिस क्या होता है, इफ वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन तो इसको हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन, तो रेशियो आता है इसका तुम्हारा 12:3:1, ठीक है 12:3:1, हाँ जी 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेसेसिव एपिस्टासिस का एग्जांपल आता है 9:3:4, ये होता है कोट कलर ऑफ माइस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का होता है 9:7, ये होता है मेरा लाइथारस ओडोरेटस, ठीक है लाइथारस ओडोरेटस में ये मेरा 9:7 रेशियो आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, ठीक है रेशियो बस आपको याद कर लो कोई नहीं है। डुप्लीकेट जीन का होता है 15:1 और कोलैबोरेटिव जीन का होता है 9:3:1, 9:3:1, ठीक है 9:3:1 लिख लीजिए इसको, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है ये पहले एनसीईआरटी में दिया रहता था, अब उतना आता नहीं इस पे क्वेश्चन, बट ठीक है आप इसको लिख लीजिए सारा, ठीक है कोलैबोरेटिव जीन इज 9:3:1, इसको लिख लीजिए फटाक से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल गोपाल बिल्कुल 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 बेटा, 3 घंटे रोज पढ़ाना हिम्मत की बात नहीं है ना। चलो अगला अगला अगला, क्या हुआ बेटा गो लाइव स्ट्रीमर, बाबू मैं चैट नहीं पढ़ा पाता हूं ना, सम चैट देखते वक्त कैसे पढ़ा पाऊंगा, है ना, हम लोग कंटेंट पे बात करते हैं, बात करने के लिए हम किसी और दिन बात कर लेंगे, आज 3 घंटे में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, समझो आप बात को, है ना ठीक है। चलो अगला, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा यार, तो तुम लोग साथ देंगे वो तो कौन करेगा। चलो अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन, इसका दो आंसर सही है। इन विच स्ट्रैंड डज आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू, यार ये पढ़ा देंगे ना दया बेटा, अभी कैसे आउट ऑफ कॉन्सेप्ट आंसर दें, है ना, समझो आप लोग बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 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 वन, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बिल्कुल सही अनुराधा, वेरी गुड, वेरी गुड अनुराधा, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, वो दिख रहा है मुझे, वेरी नाइस। ठीक है, वन एंड फोर बोथ आर करेक्ट। पीडीएफ शिवराज आपको टेलीग्राम ऐप पे और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पीसीआर एंड आरएपीडी, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये होता है रैपिड एम्पलीफिकेशन, तुम्हारा रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, दिस इज कॉल्ड रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, दिस इज कॉल्ड रैंडम एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, एंड फोर्थ भी सही है, हम माइक्रोस्कोपी से भी कर लेते हैं, तो बोथ वन एंड फोर आर करेक्ट आंसर, बोथ वन एंड फोर आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नदन ब्लॉटिंग हम किसके लिए करते थे, नदन ब्लॉटिंग हम आरएनए के लिए करते थे। ठीक है, तो वन एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अगला, विच वेक्टर कैन ओनली क्लोन अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, विच वेक्टर कैन ओनली क्लोन अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जल्दी गाइस, विच वेक्टर कैन ओनली क्लोन अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जल्दी बोलो, विच वेक्टर कैन ओनली क्लोन अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, क्या है? हाँ बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे बाबू, टाइम टेबल टेंशन मत लो। हाँ ठीक है सर, डू यू नो समथिंग, फ्यू टीचर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैराथन, फ्यू टीचर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, वेरी नाइस, गुड, चलो गुड गुड गुड। क्या है भाई, विच वेक्टर इज ऑनली अ, क्या है भाई, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, बच्चा वाला क्वेश्चन यार, क्या है, सबसे छोटा फ्रैगमेंट होता है मेरा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मेरा होता है 8 से 10 केबी, बेस ऑन द साइज, केबी इज किलो बेस, कॉस्मिड होता है मेरा 45 केबी या 45 किलो बेस, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आ गया मेरा 1 MB, 1 MB, और तुम्हारा बीएसई होता है मेरा 300 KB के आसपास, 300 KB के आसपास, मतलब सबसे छोटा हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बाद आया कॉस्मिड, कॉस्मिड के बाद आया बीएसई, और बीएसई के बाद आया वाईएसई, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज द स्मॉलेस्ट वन, प्लाज्मिड इज द स्मॉलेस्ट वन, बिल्कुल सही, 3 इज द करेक्ट आंसर, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाक से फटाक से फटाक से, जल्दी, गाइस 1 hour टू गो, यही एनर्जी आपको 1 घंटे और दिखाना है, ठीक है, तभी हम लोग सस्टेन करेंगे, दिस मैराथन हैज टू बी अ सक्सेस वन, गुड संतोष, वेरी गुड, हाँ याक सबसे बड़ा होगा, सब क्वेश्चन बच्चे वाले हैं तो एग्जाम में क्या हो जाता है, एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी टेस्ट सीरीज दीजिए, आपका अच्छा होगा सब कुछ। चलो अगला अगला, इससे भारी क्वेश्चन तो बना भी नहीं सकते यार, मतलब जितना क्वेश्चन 10 साल का था जो मुझे ठीक ठाक लगा, मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया, अब इससे बड़ा क्वेश्चन तो ला ही नहीं सकते हम लोग, है ना, चलो 3.6, चलो देखे क्या है भाई, 1000 इंडिविजुअल है, 1000 इंडिविजुअल है, ठीक है, इसमें से
360 बिलोंग करता है जीनोटाइप ए स्क्वायर, 480 ये करता है और 160 ये करता है, ठीक है। तो 160 हो गया, तो मतलब 0.16 हो गया क्यू का वैल्यू, क्यू स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी क्यू स्क्वायर का वैल्यू 0.16 हो गया। तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 दैट इज इक्वल टू 0.4। तो पी का वैल्यू क्या हो गया 0.6। तो क्या पूछ रहा है, द डेफ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इन द पॉपुलेशन। तो अलील ए का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 0.6 है। बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल 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 बच्चा वाला क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो गया 0.6। किसी को दिक्कत है इसमें, इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया मेरा नीट 2014 खत्म, नीट 2014 खत्म। कौन सा क्वेश्चन बाहर से आया था, एक दो तीन, ये तो था एनसीईआरटी का, तो तीन क्वेश्चन नीट 2014 में आपके बाहर से आए थे। चलो अब आते हैं नीट 2013, जब नीट की स्थापना हुई थी। एक्चुअली नीट का इंसेप्शन पहला बार 2013 में हुआ था। तो चलो मैराथन के अगले पड़ाव पे, दैट इज नीट 2013। हाँ जी, टूबे डबल सेंचुरी, बिल्कुल 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 वही तो कह रहा हूँ, डबल सेंचुरी चाहिए, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। पीडीएफ शिवराज आपको उस पर मिल जाएगा। चलो अगला शुरू करते हैं, नीट 2013 है, 12 है, 11 है, बस 3 साल और। शिवराज आपको पीडीएफ टेलीग्राम ऐप पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है नीट प्लेसिबो, वहां पे मिल जाएगा। बोल दिया शिवराज मैंने। चलो अगला अगला जल्दी, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। सबको भूख लग रही है क्या, तुम लोग सब खिसक रहे हो बेटा, सब लोग हम लोग साथ खाएंगे आज, डिनर साथ ही करना है, तो कंप्लीट करके जाएंगे सब, ठीक है। चलो, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन बी, टू 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 टू। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो। हाँ बिल्कुल, पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट न्यूसिलस, परसिस्टेंट न्यूसिलस। मेरा न्यूसिलस का प्लॉयडी क्या होता है, न्यूसिलस का प्लॉयडी होता है मेरा 2N। एंडोस्पर्म का प्लॉयडी क्या होता है, एंडोस्पर्म का प्लॉयडी होता है मेरा 3N। तो परसिस्टेंट न्यूसिलस क्या है, 2N, एंडोस्पर्म मेरा क्या है 3N। तो क्या होगा, इट इज बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, पेरिस्पर्म मेरा डिप्लॉइड टिश्यू होता है। दोनों में, इसमें भी फूड रहता है, इसमें भी फूड रहता है, एंडोस्पर्म में भी फूड रहता है, इसमें भी फूड रहता है। पेरिस्पर्म मेरा कैन बी सीन इन केस ऑफ पेपर, ब्लैक पेपर, है ना, ब्लैक पेपर मेरा पेरिस्पर्म होता है। तो रिजर्व फूड होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं होता दोनों, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेवरल स्पर्म। गलत गलत गलत, तो सी इज द करेक्ट आंसर, किसी का सही नहीं आया ये तो। हाँ जी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, परसिस्टेंट न्यूसिलस बोला है। तो न्यूसिलस मेरा 2N होगा, एंडोस्पर्म मेरा 3N होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो अगला, कोयोटो प्रोटोकॉल, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। कोयोटो प्रोटोकॉल कौन सा सीओपी है, ये देख लो एक बार, पुराना क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ जी, लीची ब्लैक पेपर में भी बाबू होता है, ब्लैक पेपर में भी तुम्हारा यही आता है, पेरिस्पर्म होता है। क्या करो यार, तुम लोग 100 से कम हो गए, दिस इज नॉट डन। चलो जल्दी जल्दी वापस फिर से बकअप करो। कोयोटो प्रोटोकॉल वॉज इंडोर्स्ड एट, गुड कार्तिक, कोयोटो प्रोटोकॉल वॉज इंडोर्स्ड एट, चलो अगला अगला जल्दी, पेरिकार्प सोच लिया था, कोई बात नहीं, यस सर डिनर साथ करना है, थैंक यू जमीन। चलो 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 चलो, नहीं नहीं बेटा ये न्यू कोर्स नहीं है, ऐसे ही बस, मतलब आज के लिए है ये, आज ही कर रहा हूं मैं आपको। एनसीईआरटी के बाहर लोग पूछते रहते थे, सर एनसीईआरटी के बाहर कितना पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाहर कितना पढ़ना है, तो बस यही जवाब है आपका एनसीईआरटी के बाहर।
ठीक है, तो क्या होगा आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, वन इज द करेक्ट आंसर, सीओपी थ्री है। देखो यह है मेरा सीओपी पहला, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अकर्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंडोर्समेंट ऑफ पोयोटो प्रोटोकॉल। सीओपी वन हुआ था बर्लिन में, सीओपी टू हुआ था जिनेवा में, और सीओपी थ्री हुआ था कोयोटो में, ठीक है, सीओटी थ्री हुआ था कोयोटो में, हाँ जी ठीक है, तो के सीओटी क्यू की होता है था मेरा कोयोटो प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। हेरोफोजिल, हाँ जी, तो आंसर क्या है, आंसर इज थ्री, कोयोटो प्रोटोकॉल मेरा थ्री। चलो अगला, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टी, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी हिसाब से कुछ है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ है, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, इस क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से इसका कुछ और है, इसको ध्यान से सुनो। हाँ हाँ एनसीईआरटी रिव्यू विल कंटिन्यू, नहीं बेटा कुछ पैर नहीं दुख रहा, तुम लोग बस यही एनर्जी बनाए रखो, कुछ नहीं दर्द कर रहा, टेंशन मत लो, अल्टीमेटली आज एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम लोग का, जितने क्वेश्चन है उतने हम लोग कर लेंगे, है ना। चलो अगला, डॉगी को भूख लगी है, डॉगी को कुछ दे दो, डॉगी खाया हुआ है, डॉगी का टेंशन मत लो, हाँ जी चलो जल्दी ले लीजिए यार, कमॉन 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 कमॉन, क्वेश्चन करने बाबू अभी 70-20 क्वेश्चन और हैं, जल्दी करने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स दैट विल, हाँ क्या है भाई, चलो आंसर गाइज, आंसर आंसर आंसर, सी, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, बी और वन, क्या बोला है, करेक्ट मैच बता रहा है, करेक्ट मैच, तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन इन कॉलम वन विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट, इन कॉलम वन विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट। तो देखो अब सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, थैंक यू साहिल, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी बहुत मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने वाला हूं, मैं आपको दोनों आस्पेक्ट बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से सुन लो और इसको लिख लो, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, जो ओल्ड एनसीईआरटी सही थी एक्चुअली, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये एक्टिव था, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये एक्टिव था, ठीक है, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये एक्टिव था पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जो है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों को दे दिया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मेरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे दिया है, और अमाइनो एसिड भी मेरा फैसिलिटेटेड दे दिया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। देखो एनए प्लस मेरा एक्टिव होगा, एनए प्लस तो हमेशा एक्टिव होगा, ये मेरा डिफ्यूजन होगा, ठीक है, ये भी मेरा डिफ्यूजन होगा, ठीक है, और ये जो ग्लाइसिन और ग्लूकोज था ये एक्चुअली एक्टिव होना चाहिए था, ये एक्चुअली एक्टिव होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट सही था, बट नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो ग्लूकोज है उसको फैसिलिटेटेड कर दिया है, उसको फैसिलिटेटेड कर दिया है, तो इसलिए आपको फैसिलिटेटेड करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी मेरा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये दोनों का क्या लिखा है, ये दोनों का लिखा है फैसिलिटेटेड, विच इज रॉन्ग बट एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको यही मानना पड़ेगा। समझ में आया, कोई नहीं दुखिया, बाद में कर लेंगे, ठीक है, चलो अगला। अब ये क्वेश्चन भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये क्वेश्चन भी जो आया था तो ये भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था। हाँ हाँ ठीक है शुभम, फ्रुक्टोज हटा दिया है, वही तो पॉइंट ही है ना, तो बट उल्टा है ना यार, फ्रुक्टोज होता है फैसिलिटेटेड, ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, बट क्या करोगे। हाँ चलो अच्छा, चलो वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जल्दी, हाँ सुनील सुमित बोलो बेटा,
वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जल्दी इसमें भी बहुत वियर्ड आंसर है, मतलब अगर बात करते हैं ना लीगल मेथड में तो बहुत वियर्ड आंसर है इसमें। हाँ जी क्या है, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन सुमित, देखो बेटा क्या होता है, देखो एनसीईआरटी कहती है अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है पहले, लेकिन कहा जाता था ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, तो पहले के हिसाब से ए आंसर सही था, पहले के हिसाब से ए आंसर सही था, बट अभी के हिसाब से कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। हाँ चलो अगला, टू 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 टू, सबका टू है क्या भाई? अच्छा यू विल ऑल बी शॉक टू अंडरस्टैंड दैट कि इसका सही आंसर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो वन है, जो आंसर की में इसका आंसर है वो वन है, होना चाहिए टू, मेरे हिसाब से भी टू होना चाहिए, बट क्या बोला है लीगल मेथड, लीगल मेथड, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि जो अबॉर्शन है या जो एमटीपी है वो लीगलाइज हो गया था 1971 में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये लीगल है, ये लीगल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए होगा, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना, इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन आंसर ए है इसका, ऑफिशियल आंसर जो इसका आंसर की में था वो ए था, ठीक है। हाँ हाँ वही वही, ये क्या हुआ, यही हुआ, मेरा भी दिमाग घुमा था इसमें, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। हाँ जी अब ऑप्शन क्या करोगे, क्या होगे, क्या करोगे, यही आंसर है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, नहीं भी आप लोग से गलती हुआ ये तो कोई बात नहीं, होता है। चलो अगला 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 अगला, अ सेडेंट्री सी एनीमोन, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब, अब देखो ये भी बहुत संवेदनशील है, ये सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब वाला भी क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आता है, इसमें भी तीन ऑप्शन के बारे में मैं आपको बात करूंगा, ठीक है, ये सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब वाला क्वेश्चन बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी आता है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं लिखा है बाबू, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं है तो भी एमटीपी लीगल है ना, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है तो इट हैज बीन लीगलाइज, है ना, एमटीपी हैज बीन लीगलाइज। क्या हुआ शुभम, थैंक यू सुमित, चलो हाँ जी हाँ जी, थ्री 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 थ्री, ठीक है, क्या है भाई, क्या है भाई, सुनो देखो, अगर सेडेंट्री सी एनीमोन की बात करें तो अब देखो दोनों चीज याद रखो, सी एनीमोन के केस में मैं आपको पूरा बता देता हूं, अगर कोई ऑप्शन आया आपके पास म्यूचुअलिज्म, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ऑप्शन आया आपके पास म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन और कमेंसलिज्म, तो आप क्या मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे प्रोटो कॉपरेशन, दिस विल बी योर फर्स्ट चॉइस, अगर आपके पास तीनों ऑप्शन है, सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, अगर आपके पास तीनों ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन और कमेंसलिज्म, तो आप मार्क करेंगे प्रोटो कॉपरेशन, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगर मान लो प्रोटो कॉपरेशन नहीं दिया है और म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म दिया है तो आप मार्क करेंगे कमेंसलिज्म, ठीक है। देखो हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना जी सकते हैं, इट इज अ नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप जिसमें दोनों का भला होता है, जिसमें दोनों का भला होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सिम्बायोसिस होगा, सिम्बायोसिस मींस प्रोटो कॉपरेशन नॉट म्यूचुअलिज्म, ठीक है, सिम्बायोसिस होगा, इसका मतलब प्रोटो कॉपरेशन होगा नॉट म्यूटेशन, नहीं समझी टेंशन मत लो, कोई टायर्ड नहीं है, तुम लोग बस कंटिन्यू करो, ठीक है, सेम इंथुजियाज्म मेंटेन करना है, मैं 12-12 घंटे की क्लासेस लेता हूं, मुझे लोड मत लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें लिख लेना, अगर आपका इन दोनों में से कोई ऑप्शन ना हो,
तो फिर आप कमेंसलिज्म टिक कीजिएगा, नहीं तो आप कमेंसलिज्म टिक नहीं कीजिएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेरणा एंटीहिस्टामिन ले लो कोई भी, सेट्रिजिन, लीवर सेट्रिजिन खा लो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया खत्म, कौन सा, AIPMT नीट 2013 खत्म हो गया। दो कुछ साल और खेलना है हम लोग को, उसके बाद द एंड, ठीक है, खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी के बाहर इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इस लेक्चर को आप पूरा देख लिए तो एनसीईआरटी के बाहर इससे एक लाइन आपको नहीं पढ़ना, जितना बता रहे बस इतना ही जानना है आपको। चलो नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, ये क्वेश्चन मुझे देखना पड़ा था, मेरा गलत हो गया था। चलो देखो तो क्या है भाई, कोई बात नहीं, दूध गिलास सब चलेगा, सब चलता है। हाँ चलो अगला अगला। आई वॉन्ट टू गिव नीट एंट्रेंस एग्जाम बट आई एम फ्रॉम, हाँ जी बिल्कुल बेटा सुमित आप कर सकते हो। मोनेरा बिल्कुल, ईर्षा वेरी नाइस, ईर्षा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, मोनेरा इज द करेक्ट आंसर, मोनेरा इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल गुड जॉब गाइज, गुड जॉब गाइज, मोनेरा इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी लिवो सिटीजन, ठीक है, किंगडम मोनेरा, मोनेरा में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है, प्रोकैरियोट्स में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है, या बिल्कुल हाँ प्रोकैरियोट होता तो परफेक्ट। तो मोनेरा में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है, यूकैरियोट्स में सबसे ज्यादा फंगाई होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है तो मोनेरा हो गया, यूकैरियोट्स में सबसे ज्यादा फंगाई होता है, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फंगाई बेटा, फंगाई यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो फंगाई आ जाएगा। प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स मतलब पूरा अगर बात करें ओवरऑल, तो बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होता है ना, साइनो बैक्टीरिया है न्यूट्रिशन में पूरा, उनका तो बहुत इमेंस डाइवर्सिटी होता है, तो आंसर वन होगा, ठीक है। हाँ जी हाँ, जल्दी जल्दी करा रहे हैं अंकित, बस मुझे भी खत्म ही करना है ना, जल्दी जल्दी कराते हैं बस, वी हैव लाइक 30 मिनट्स मोर है बाबू, 35 मिनट्स में हमको 25 क्वेश्चन करना है, जल्दी करो। सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉमेलिना क्यों, कॉमेलिना मेरा क्लिस्टोगैमस फ्लावर आता है, क्लिस्टो गैमस फ्लावर होता है, और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर मेरा क्या होता है, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर मेरा वॉट मतलब बिना पॉलिनेटिंग, तो मतलब ये क्लोज फ्लावर होता है, इट डज नॉट रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट, इसको कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो आंसर मेरा सी इज द करेक्ट है। सेल्विया मेरा इंसेक्ट, फॉग फिग मेरा इंसेक्ट, और जोस्टेरा एंड वेलिसनेरिया मेरा वाटर, जोस्टेरा एंड वेलिसनेरिया मेरा वाटर। चलो नेक्स्ट, हाँ जी क्लोज ही रहता है, आई नो बाबू दिस इज एनसीईआरटी, बट कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं दिया एनसीईआरटी में, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंपेयर अगेन फ्रॉग आ गया, देखो फ्रॉग का क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, फ्रॉग आप लोग पढ़ लीजिएगा, फ्रॉग और अर्थवर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो अगला अगला जल्दी, चलो अगला, कोई बात नहीं बाबू गोपाल ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो अपने आप ठीक होगा, दैट इज द होल पॉइंट। मेरा ये बोलने के मतलब है, देखो ये 3 घंटे का सेशन कराने का बस ये मतलब था कि जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर प्रॉबेबल अभी तक 10 साल में आए मैंने आपको पूरे करवा दिए, या एनसीईआरटी से ट्विस्ट करके आए वो मैंने क्यों किया, तो अगर मैं 10 साल की बात करूंगा तो मुश्किल से 12 से 15 क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी के एकदम बाहर से आए, बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी के साइडलाइन होके आते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। नहीं कॉकरोच नहीं छोड़ोगे भाई, क्यों कॉकरोच छोड़ोगे,
फोर, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन तो होता ही है ना, बिल्कुल सही, तो न्यूक्लिएटेड होता है एंड इट इज विथ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड होता है इरिथ्रोसाइट एंड इट इज विथ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, गुड जॉब गाइस, डी इज द करेक्ट आंसर. अगला, ये एनसीईआरटी का लाइन है, देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है बट इसमें एक ऑप्शन एनसीईआरटी के बाहर का था तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया. ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है बट इसमें एक ऑप्शन एनसीईआरटी के बाहर था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया. क्या है भाई, फोर, मैंने कॉकरोच को पकड़ रखा है, शाबाश. चलो सही है यार तुम लोग. हाँ डी, अर्थवर्म नीट में आएगा, बिल्कुल शानवाद, आता है क्वेश्चन, अभी तक आया हुआ है और फ्रॉग भी आया हुआ है, क्यों रिस्क लेना भाई, कर लो, कोई बात नहीं पूजा, आपके लिए सब ये लोग है ना. चलो हाँ, क्या है भाई, नियांडरथल, बिल्कुल सही, नियांडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी, बिल्कुल सही, 1400 सीसी होता है और ये पाया जाता है. क्रोमैग्नन मैन मेरा 1650 क्रेनियल कैपेसिटी होता है, इसके बारे में दिया नहीं है तो इसके बारे में आपको पढ़ना है. आंसर जो है तुम्हारा, आंसर डी है, डी इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एकदम एज इट इज एनसीईआरटी का, मेरा बाद में मुझे क्वेश्चन मिला नहीं था तो मैंने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कुछ कुछ डाले हुए थे, है ना. अब तो सर में दर्द होने लगी, बस बस आधे घंटे और बच्चों, आधे घंटे, 30 मिनट्स और, उसके बाद हम लोग का मैराथन सक्सेसफुल है, बस 30 मिनट्स बर्दाश्त करना है. क्या एनर्जी यार, बुढ़ापा मेरा आया है, तुम लोग के 3 घंटे में सर में दर्द होता है, कैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे. मेडिकल कॉलेज में जब मैं क्लासेस लेता हूँ 12 घंटे की क्लासेस पढ़नी पड़ती है, जब फिजियोलॉजी की क्लासेस होती हैं तो सुबह 9 से 2, 1, फिर 15 मिनट का या 1 घंटे का ब्रेक, फिर उसके बाद 2 से फिर से क्लास, तो कैसे करोगे तुम लोग बताओ यार. मेरे में लग रहा है देख के कि मुझे थकान हुई है, बोलना मुझे पड़ रहा है, तुम लोग तो सिर्फ टाइप ही करो. डी बिल्कुल सही, कसकटा मेरा एक्टोपैरासाइट है, कसकटा इज टोटल स्टेम पैरासाइट, और दूसरा मेरा होता है रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया इज टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है. ब्रूड पैरासिटिज्म किसमें होता था, ब्रूड पैरासिटिज्म मेरा कोयल में होता था, याद है, कोयल में मेरा ब्रूड पैरासिटिज्म होता था. मेरी सेटिंग है, किसकी सेटिंग है भाई. हाँ जी ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 है, ये कैसे गलत हो गया. एनसीईआरटी माता की जय, वाह यार बड़ा अच्छा नाम रखा है, गुड जॉब. कोई बात नहीं, गलत हुआ तो सही कर लो, अगला क्वेश्चन सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी सर, फीवर है इसलिए हेडेक हो रहा है, कोई बात नहीं समरीन, पढ़ने यही तो स्ट्रगल का टाइम है, अभी पढ़ोगे नहीं तो फिर कब करोगे, है ना. बाद में तुम डायलॉग मार सकती हो ना कि मैंने फीवर में पढ़ा था, नहीं पापा मम्मी लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं कि स्ट्रीट लाइट में हमने पढ़ाई की थी, तो फिर वैसा तुम भी मार सकती हो अपने बच्चों को डायलॉग कि इतना फीवर था हमको फिर भी मैंने 3 घंटे का सेशन देखा था. हाँ 1111111111 क्या है भाई, बिल्कुल सही, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये मेरा बनाता है सेरिब्रल मलेरिया, है ना, सेरिब्रल मलेरिया, ये सबसे डेंजरस टाइप का होता है, ये मोस्ट फेटल होता है. देखो तीन तरह का प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स ये मोस्ट कॉमन, ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मोस्ट डेंजरस, और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये इंडिया में कम होता है, अफ्रीका में ज्यादा होता है, ठीक. फेलिस टिग्रिस, टिग्रिस मेरा कहाँ होगा, फिलाइन, इंडियन टाइगर, इट इज प्रोटेक्टेड इन रणथंभौर या जिम कॉर्बेट, है ना. गिर में क्या है, गिर में मेरा लायन है,
ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई, ठीक है, और म्यूसा डोमेस्टिका, ये तुम्हारा हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, राइट। हाँ जी, तो आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला, तो खत्म हो गया AIPMT, कौन सा AIPMT 2012, ठीक है। अब आते हैं AIPMT 2011, सेरिब्रल और बेनाइन मलेरिया। बाबू बेनाइन मलेरिया हो गया जहां पे ट्यूमर आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो सेरिब्रल मलेरिया होता है कि मतलब ब्रेन फीवर हो जाता है तुम्हारा, क्या होता है ना, सर बहुत तेज फटता है सेरिब्रल मलेरिया में, तो वो बहुत डेंजरस होता है। क्या नॉर्मल या एनसीआरटी, क्या एनसीआरटी बाबू, हाँ ओवेल भी है, मलेरिया भी है, बिल्कुल। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। देखो ये क्वेश्चन एनसीआरटी के बाहर का है। हाँ जी, 12 खत्म हो गया आप, चलो 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन, जल्दी। बताओ यार, तुम लोग 3 घंटे में 300 लाइक भी नहीं पहुंचा, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग भाई। चलो अभी जल्दी 300 लाइक्स तो करो, कम से कम कुछ तो करो काम। क्या हुआ भाई, प्लीज रिप्लाई यू नॉट व्हाट, व्हाट्सएप करेंगे भाई दिनेश क्लास के बाद, बेटा बात करते करते चैट भी करें, बताओ इतना टैलेंटेड तो है नहीं। 1 2 3 4, बाकी कोई ऑप्शन 5 भी बोल दो भाई। नहीं नहीं 2, अच्छा सी सुधांश, सी सी सी, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, जिसको पता है। बहुत अच्छा भाई, फार्मा तुम लोग अभी से पढ़ लियो, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो तुम लोग, है ना। क्लोरो क्लोरामिकॉल क्या होता है, देखो ये क्या होता है, जैसे जो लीवर सेट्रिजिन खाते हो क्या होता है उसमें, देखो क्लोरामिकॉल होता है, इसमें क्या होता है कि जो मास्क सेल है, मास्क सेल को मास्क कर देता है, तो मास्क सेल क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर पाता, म्यूकस नहीं प्रोड्यूस कर पाता, तो ये एंटी हिस्टामिन, तो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। ओमेपैराजोल जो होता है, ओमेज, ओमेज होता है इसके लिए होता है, ये क्या होता है कि ये गैस्ट्राइटिस, तो ये जो प्रोटॉन पंप होता है, इनहिबिटर होता है, मतलब कि जो तुम्हारा बॉडी में पेट में HCl का प्रोडक्शन होता है वो कम करता है, ये मैं मुझे लेना पड़ता है, ठीक है। ओमेज होता है ये HCl का प्रोडक्शन कम करता है, ठीक है, HCl का प्रोडक्शन कम करता है। हाँ जी, एनसीईआरटी में है, अच्छा मुझे नहीं दिखा यार, अच्छा एनसीईआरटी में है बेटा, सब कुछ गूगल बताने लगा तब तो हो गया है ना, ठीक है। हाँ चलो चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं नीट 2015-19 में कहाँ 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर, 1 क्वेश्चन आया था कॉर्निया वाला बस। हेलो अर्पित, चलो हाँ बेटा गूगल नहीं करना ना, गूगल सब कुछ गूगल बताने लगा तब तो हो गया। चलो अगला अगला, बेटा सी होता है, तो एंटीएस में तुम लिवोसेटेजिन का डब्बा पत्ता खोलो और उसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रग का नाम है ना, ड्रग्स पे टेंशन मत लो, भरोसा रखो। हाँ जी चलो अगला, प्लम पीच, ग्वावा एपिगाइनस मतलब इंफीरियर हो गया, ठीक है, पीच मेरा हाफ इंफीरियर होता है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है, हाफ इंफीरियर पीच होता है, 2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी, पीच तुम्हारा हाफ इंफीरियर है, बिल्कुल, प्लम पीच रोज, बिल्कुल प्लम पीच रोज जो है ये हाफ इंफीरियर होता है, प्लम पीच रोज ये मेरा हाफ इनफीरियर होता है। चलो नेक्स्ट, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी, बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। हाँ जी, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी, जल्दी बताओ,
सर मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल है, चलो बनाते हैं मनोज, है ना, ट्रिक्स पे बनाते हैं वीडियो, कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू सौरभ, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं देख लूंगा, देख लूंगा, अगर एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा होगा तो मैं जरूर देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, तो न्यूसलर पॉलीएम्ब्रियोनी मेरा होता है सिट्रस में, ठीक है, इसमें 40 एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, 40 एम्ब्रियो होता है तुम्हारा सिट्रस में, आंसर बी है तुम्हारा, ठीक है, न्यूसलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिट्रस, बिल्कुल सही, सिट्रस हो गया, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा 9:40 पे नहीं खत्म होगा, 10 PM पे खत्म होगा क्लास। अच्छा डॉक्टर गुलाटी, क्या हो गया भाई डॉक्टर गुलाटी को, कैच मी इफ यू कैन, कौन पकड़ेगा तुमको भाई। देखो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एल्यूरोन लेयर ऑफ अ प्लांट, एल्यूरोन लेयर ऑफ अ प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट टिप, 42 क्रोमोसोम्स इन इट रूट टिप। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अच्छा रोहित सर का ताली बजाने का मन कर रहा था। कोई नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया सर, ये क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन सब नीट का है, पहले पहले आया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है भाई 3। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्या है भाई, देखो अगर बोल रहा है रूट टिप तो 2n इज इक्वल टू 42, तो n इज इक्वल टू 21। अच्छा एंडोस्पर्म या जो एल्यूरोन लेयर होता है, एल्यूरोन लेयर मेरा होता है 3n, तो 3n का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू कितना हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 3 इंटू 21, तो दैट इज इक्वल टू 63, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल, कैसे 42 होगा बेटा, 3 है ना, ना तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। हाँ जी, हाँ जी कर लिया, 3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ट्रिप्लॉइड। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये लोग तो बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग सब किए होंगे ये वाले क्वेश्चन, है ना। हाँ ठीक है दिनेश, मिल गया आपका आंसर भाई, थैंक यू प्रेरणा, चलो 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 जल्दी 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 गाइज, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, उसको छुट्टी होता है, भूख लग गया मुझे भी, तुम लोग को भी लग गया होगा, है ना, चलो चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फटाक, 66 है, 73 क्वेश्चन है, बस 8-9 क्वेश्चन और करना है, उसके बाद हम लोग का छुट्टी। ठीक है चलो, फोर्थ, बिल्कुल सही, ठीक है, ये मेरा पॉइजनस गैस लीकेज था, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, एंड थाउजेंड ऑफ ह्यूमन डाइड रात के रात ही, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉलआउट नहीं था, दिस वॉज नॉट रेडियो एक्टिव, दिस वॉज नॉट रेडियो एक्टिव, इट वॉज अ पॉइजनस गैस, ठीक है, जो मेरा चेनोबिल में हुआ था, और या जो मेरा 3 Mile Island में हुआ था, ये मेरा रेडियो एक्टिव फॉलआउट था, ये MIC वाला जो मिक वाला है, ये मेरा रेडियो एक्टिव फॉलआउट नहीं है, ये मेरा रेडियो एक्टिव फॉलआउट नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो AIPMT 2011 भी खत्म हो गया, 10 शायद लास्ट ही है, आई गेस, है ना, लास्ट है, चलो अगला, इफ फॉर सम रीजन पेराइटल सेल ऑफ द गट एपिथीलियम बिकम्स पार्शियली नॉन फंक्शनल तो क्या होगा, पेराइटल सेल ऑफ द गट एपिथीलियम बिकम्स पार्शियली नॉन फंक्शनल तो क्या होगा, सर पिज्जा एंड चॉकलेट मेरे लिए, थैंक यू प्रेरणा, बेटा क्लास के बाद खाते हैं, ठीक है, क्लास के बाद हम लोग साथ ही खाएंगे पिज्जा और चॉकलेट। चलो अगला, इफ फॉर सम रीजन पेराइटल सेल्स ऑफ द गट एपिथीलियम बिकम्स पार्शियली नॉन फंक्शनल व्हाट वुड लाइकली टू बी हैपनिंग,
3 3 3 3 3। देखो पेराइटल सेल क्या प्रोड्यूस करता है, पेराइटल सेल प्रोड्यूस करता है HCl, HCl एसिडिक मीडियम में रहता है और HCl मेरा पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, HCl मेरा पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। तो अगर पेप्सिन नहीं होगा तो मेरा प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। स्टीएप्सिन होता है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ये मेरा पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। मेरी वैसे कढ़ी चावल, थैंक यू अर्षित, वाह इतना कुछ खा लिया था तो हो गया। चलो अगला, फिर आ गया ना ये राइनोसोरस, तुम लोग घूमने जाओ, पापा मम्मी को बोलो कि सर मुझे सारा नेशनल पार्क देखने के लिए बोल रहे हैं, सब नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी सब घूम के आओ, तो इस तरह का क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। क्या तुम कॉकरोच भेज रहे हो क्या निखिल, क्या दुश्मनी है भाई। थैंक यू निहारिका, बिल्कुल हम रेस जीतने वाले हैं, बस आप और कितना 12-18 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद एलेक्सा मैडम ताली हो जाएगी। अरे वाह, चलो 3 3 3 3 3। संपत्ति वही एनसीईआरटी टू फिंगर टिप्स अच्छी बुक है, 3, ठीक है। इंडियन राइनोसोरस, राइनोसोरस के लिए मेरा काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ये मेरा है असम में, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला 69। कोई नहीं, पापा को बोलो, पापा सब नेशनल पार्क देखना है ना, तो फिर एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो अगला एपोमिक्टिक, मेरे घर पास दवा खाना है। अच्छा चलो 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 बी। अरे वाह डॉक्टर सिंह, फॉर यू, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बस बाथरूम सिंगर मत निकलना। चलो 2 2 2 गाइस। निखिल बेटा कितना लड़कीबाजी करोगे तुम, हैं कितना लड़कीबाजी करोगे, ठीक है। लव फ्रॉम अफगानिस्तान, अरे वाह अनारकली, थैंक यू। चलो देखो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो कहाँ से होता है, एपोमिक्सिस एम्ब्रियो जो होता है ये मेरा स्पोरोट्रोफिटिक टिश्यू से आता है तुम्हारा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो होता है वो मेरा मेटर्नल स्पोरोफिटिक टिश्यू से आता है, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेटर्नल स्पोरोफिटिक टिश्यू से आता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, गुड जॉब गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। बाबू अब पुराने क्वेश्चन, मैंने वही बोला ना, ये मैक्सिमम है, जितना आपको होता है ना किसी चीज का दुख का एंड देख लो तुम, तो ये दिस इज द मैक्सिमम, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा यार, क्यों लोड लेना, है ना, बिल्कुल। शाबाश बेटा निखिल। चलो अगला अगला अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। बस 4 क्वेश्चन और है उसके बाद छुट्टी तुम लोग का। चलो यार तुम लोग, हो गया, बहुत हो गया, नहीं करते ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं इसको रिवाइज करना, देखो इस वीडियो को 2 बार आराम से देखना, सब कुछ जितना एसेंस, अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा यार, बता रहे हैं ना, इससे बाहर क्या आएगा बताओ। चलो कोई बात नहीं, चलो अगला अगला जल्दी जल्दी, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, बिल्कुल सही, बारबिट्रेट्स क्रिमिनल को नहीं देते, बारबिट्रेट्स मेरा क्रिमिनल्स को नहीं देते, तो ये गलत है। मॉर्फिन इज गिवन टू पर्सन जिसको सर्जरी हुआ है,
च्यूइंग टोबैको से मेरा बीपी इंक्रीज करता है, निकोटीन और सिगरेट, निकोटीन जो होता है सिगरेट का वो बीपी इंक्रीज करता है, ठीक है। कोकेन इज गिवन टू क्वेश्चन, नहीं कोकेन को पेशेंट को दोगे बेचारा पेशेंट लेटा हुआ है उसके दौड़ने धूपने लगेगा, है ना, मेरे तरह हाइपर एक्टिव हो जाएगा भाई, तो इसलिए कोकेन भी पेशेंट को नहीं दे सकते। कर देना भाई मोटा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, गुड जॉब गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे थोड़ा लोग ड्रामा करते हो तुम लोग, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, चलो इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो देखो 70, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है टॉप 2% बैटरी हर्षिता, बस 3 क्वेश्चन और, बस 3 क्वेश्चन, उसके बाद तुम हम बैटरी के साथ जो करना है कर लो। हाँ हेलुसिनेशन, किसका हेलुसिनेशन, चलो बहुत जल्दी आ गया वसीम, सी 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 क्या है भाई, हाँ तो देखो क्या होता है, कॉर्डिएट एंडिन है, ये मेरा दिल है, इसको कौन ले गया, हाँ लो ये देखो मेरा इधर आ गया, ठीक। अब देखो यहां पे होता है कॉर्डिएट एंडिन, ये मेरा है पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल से निकला पैराशूट का तार, इस पैराशूट के तार को हम कहते हैं कॉर्डिएट एंडिन, और इधर मेरा आ गया बाइकस्पिड वैल, इधर आ गया मेरा ट्राइकस्पिड वैल। तो अगर मेरा कॉर्डिएट एंडिन नहीं है, कॉर्डिएट एंडिन काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ब्लड विल फ्लो बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, तो ब्लड विल फ्लो बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, तो फ्लो ऑफ ब्लड इन द एओर्टा विल बी स्लोड डाउन। अब देखो यहां पे एओर्टा में अगर मान लो लेफ्ट एट्रियम में मेरा खून जा रहा है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है, तो एओर्टा में भी खून कम होगा, तो ये भी तो सही है ना स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ ब्लड इन द एओर्टा विल बी स्लो डाउन, पेसमेकर से कोई मतलब नहीं है, ब्लड विल फ्लो बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में रिड्यूस होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर ए और सी दोनों हो सकता है एक्चुअली, है ना, आंसर ए और सी दोनों हो सकता है, तो बेसिकली आंसर, बट मोर करेक्ट आंसर सी है आपका, क्योंकि इट विल लीड टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जिससे कम क्वांटिटी ऑफ ब्लड होगा जिससे निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी ठीक है, समझ में आया सबको, बिल्कुल भी पाजा खत्म हो जाएगा, हाँ वन भी मतलब एक तरह से वन राइट है, पर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर सी है, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर सी है। चलो गाइस दो क्वेश्चन और है उसके बाद छुट्टी तुम लोगों की, मेरी भी छुट्टी, दो क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी फटाक फटाक फटाक। सर एनसीईआरटी मेडिजी वाले चैनल कब आओगे, नीट मेडिजी, अरे ठीक है बाबू क्या दिक्कत है, ये चैनल भी अपना ही है, हाँ चलो क्या है, हाँ चलो अगला अगला, थ्री 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 बी क्या है, थ्री और बी क्या है भाई, देखो थ्री 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 और बी, हाँ क्या है यार, थ्री कैसे होगा, टॉक्सिक एजेंट, अगर टॉक्सिक एजेंट, सुनो यार तुम लोग गड़बड़ कर दिए ना, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड दैट इंटरफेयर्स विथ थायरोक्सिन, तो मेरा टॉक्सिक गोइटर होगा, सिंपल गोइटर इज ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, क्या करते हो तुम लोग, आयोडीन डिफिशियंसी, और इसका होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्रेटिनिज्म क्या होता था, अगर 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 मम्मी को
मम्मी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, है ना, बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, मतलब अनपढ़ है मतलब मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, ठीक है। मम्मी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, तो आंसर क्या है, आंसर इज वन, ए इज द करेक्ट आंसर। किसी का सही आया था क्या, किसी का सही आया है भाई ए? छुट्टी मोदिया बहुत ए सिक्स लग लगा रखो, फोर कैसे होगा बेटा, वन होगा। आर्या वेरी गुड, आर्या वेरी गुड, निर्मल्या वेरी गुड, सत्यनारायण वेरी गुड, अतुल वेरी गुड, निर्मल्या वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, ठीक है। वन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सर? डाउट है प्लीज प्लीज, हर्षित बोलो क्या डाउट है बाबू, डाउट पूछो हर्षित क्या है, चलो नहीं आया, किसको नहीं आया, देखो बेटा क्या होता है, सुनो, टॉक्सिक एजेंट, देखो ऑब्वियसली हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे तीन तरह का हाइपोथायरॉयडिज्म का बात किया, पहला सिंपल गोइटर जो होता है ये आयोडीन डिफिशियंसी कारण होता है, ये टॉक्सिक ऑब्जेक्ट के कारण नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया आंसर, ठीक है। क्रेटिनिज्म कब होता है, जब मम्मी को हाइपोथायरॉयडिज्म है बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, तो आंसर क्या, वो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आंसर ए आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आंसर ए आएगा, है ना। आयोडीन ज्यादा हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, अगर आयोडीन ज्यादा हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। साहिल टेस्ट सीरीज, आकाश एलन किसी का ज्वाइन कर लो बेटा। चलो अगला, क्वाइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल्स, क्वाइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वाइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा ट्राइकस्पिड वैल वाला फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी एक बार खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं ट्राइकस्पिड वैल वाला फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं सारे डाउट लूंगा। आशुतोष मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से कंप्लीट किया है ना। हाँ बस अमरीन लास्ट, वी हैव लाइक 7 मिनट, 7 मिनट बाद आपकी छुट्टी है ना। बहुत थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, मतलब आप लोगों ने कंसिस्टेंटली 3 घंटे का वीडियो देखा, दैट इज सच अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी करते हैं कार्तिक, मैं ट्राइकस्पीड वाला क्वेश्चन आपका फिर से कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। थ्री बिल्कुल सही, थिग्मोट्रोपिज्म बिल्कुल सही आंसर है, थिग्मोट्रोपिज्म कर्लिंग जो होता है, जैसे मान लो कि कोई लकड़ी है तो जैसे टेंड्रिल्स इसको देखेगा पी टेंड्रिल्स, तो ये इसके चारों ओर कर्ल करने लगता है, और इस फिनोमिना को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, इस फॉर्मूला को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, जब ये कर्ल करना स्टार्ट करता है तो इस फिनोमिना को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, बिल्कुल सही, सी आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। हाँ आप बताओ अब क्या क्या डाउट है पूछो, अब जिसको भी जो डाउट है पूछे, वी आर डन विद द क्वेश्चंस, ठीक है, अब जिसको भी जो डाउट है वो पूछो, अब जिसको भी जो डाउट है वो पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू तन्वी, थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू तनिष्का, चलो भाई, हाँ थैंक यू रिया, निखिल का काम है, निखिल पुराना काम है भाई, अब देखो किसी का घर बस रहा है मेरे पढ़ाने से तो क्या ही पॉइंट है, है ना, नहीं नहीं निखिल तुम कंटिन्यू रखो बेटा, हाँ ठीक, ट्राइकस्पिड राइट में हो, अरे वो देखो 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 कौन सा क्वेश्चन है, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन बोल रहे थे ना कि अगर मेरा कॉर्डिएट एंडिने वो हो जाए, ठीक है क्वेश्चन था ना ये वाला, कॉर्डिएट एंडिने वाला, तो कॉर्डिएट एंडिने दोनों के लिए है ना, ये मान लो मेरा हार्ट है, ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये मान लो मेरा राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, इस ये था, अब यहां पे मेरा कॉर्डिएट एंडिने निकलता है, यहां से मेरा थ्रेड लाइक कॉर्डिएट एंडिने निकलता है, यहां से मेरा थ्रेड लाइक कॉर्डिएट एंडिने निकलता है, और यहां पे वैल्व होता है, तो ये वाला ट्राइकस्पिड वैल्व होता है, ये वाला बाइकस्पिड वैल्व होता है, दैट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, तो अगर मान लो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है, अगर मान लो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है तो ये इधर निकलेगा, तो इस तरह से कॉर्डिएट एंडिने, तो इसीलिए यहां पे ये होगा, तो आंसर क्या होगा,
द ब्लड विल फ्लो बैक इन टू द लेफ्ट एट्रियम, द ब्लड विल फ्लो बैक इन टू द लेफ्ट एट्रियम. थैंक यू अंशु. चलो गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच. देखो अभी 4 मिनट बचा है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सच लव एंड सपोर्ट. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आप लोगों ने कंसिस्टेंटली अपना नंबर 100+ रखा था. मुझे नहीं लगा था आप लोग 3 घंटे का लेक्चर बर्दाश्त कर पाएंगे, बट हैट्स ऑफ टू यू. इसी कंसिस्टेंसी से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. ठीक है गाइज, बस कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, फिर आपका द एंड. ठीक है, बाय कर लेंगे हम लोग. ठीक है, पहला पॉइंट यह है कि आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है. ध्यान रखो, कोई भी टीचर, कोई भी आपको एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाता है उसको इग्नोर मारो. ठीक है, खास करके चैप्टर्स लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब चैप्टर आप एनसीईआरटी से ही करें. ठीक है, दूसरा काम क्या करो आप, फ्रॉग और अर्थवर्म पढ़ लो यार. ठीक है, फ्रॉग और अर्थवर्म पढ़ लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मैंने आपके नहीं कराया तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो. ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप कर लीजिए. राइट गाइज, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. मतलब बस इतना कर लो, बायो में अगर तुम लोग को 360 नहीं आता ना तो बोलना हमको. बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सिली मिस्टेक भूलते जाओ. कोई भी अगर टेस्ट सीरीज में फालतू वालतू क्वेश्चन आता तो अब नहीं आएगा. हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आता है, वो भी रिलेटेड होता है, वो भी रिलेटेड होता है. ये नहीं कि कोई आसमान से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. तो क्वेश्चन जो भी आएगा आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा. ठीक है, चलो गाइज, अब सबको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया. अच्छा, मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो लोग तुम मुझे जानते हो, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ये देख रहे हो unacademy.com/user/anandsir01, यहाँ पे मेरी रोज स्पेशल क्लास होती है. आज तो मेरे क्लास लेने की हिम्मत नहीं है, तो मेरी यूजुअली रोज स्पेशल क्लास होती है 10:30 PM पे. मैं आपके लिए रोज रोज स्पेशल क्लास लेता हूँ बच्चों, 10:30 PM रोज. ठीक है, तो हम लोग रोज आपके लिए यहाँ पे स्पेशल क्लास लेते हैं 10:30 PM पे, तो आप लोग यहाँ पे स्पेशल क्लास कर सकते हैं. तो यहाँ मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जितने लोग हैं आप लोग सब मुझे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है. यहाँ पे आपको अलग ही यूनिक कोर्स मिलता है. तो मेरा कोर्स कंटेंट जो भी है, देखो मेरा एक सीधा साधा हिसाब किताब है, कम जानो सुखी रहो. ठीक है, जितना कम जानोगे उतना अच्छा, इग्नोरेंस इज ब्लिस. तो कम पढ़ के एनसीईआरटी नीट में कम पढ़ के कैसे लाना है नंबर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं. ठीक है, चलो गाइस, कौन कौन आया, रुका भाई, दिव्या थैंक यू फॉर कमिंग, रिया, प्रेरणा, गोपाल, तेजा, मानसी, आनंद, वसीम, सब मेरे ये प्लस वाले स्टूडेंट सब हैं. मोनू, गोपाल, अनुराधा, प्रेरणा, निकिता, अनारकली, हिमाद्री, थैंक यू गाइज, थैंक यू एंड बाय बाय. एंड वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज, और आप लोगों का काम है इस वीडियो को पहुंचाना, इस वीडियो को एकदम बिल्कुल वायरल कर देना है. इस तरह का कंटेंट आपके पास यूट्यूब पर अभी नहीं है, तो सबको सबको जितने लोग हैं आप अपने व्हाट्सएप चैनल के इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ गाइज. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को प्यार देंगे उतना अच्छा है. ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करो गाइज, अगर नहीं किया अभी तक तो लाइक, मुझे पता है आप लोगों ने सबने लाइक किया है वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन गाइज. ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे. तो ठीक है, तो बस एक बार आप लोग सबको बोलना है एनसीईआरटी माता की जय. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही, अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ एनसीईआरटी थरोली फॉलो कीजिए, बाकी आप लेक्चर्स देखते रहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है. द एंथुजियाज्म, द जील, द एबिलिटी दैट यू गाइज हैव इज कमेंडेबल. है ना, आप लोग आराम से नीट में बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग गाइज. ठीक है, चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. हम लोग का टाइम अप हो गया फाइनली, तो टेक केयर गाइज, बाय बाय, थैंक यू वसीम, थैंक यू एवरीवन. ठीक है गाइज, इसको शेयर करना है आपको, शेयर करना है, और आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करना है. ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि आज का सेशन कैसा लगा, अगर आप और ऐसे सेशन चाहते हैं, और जिस किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना है. ठीक है, चलो बाय बाय गाइज. और सेकेंडली, जो लोग प्लस पे आना चाहते हैं, जो लोग प्लस पे आना चाहते हैं, हमारा क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स है 180 डे का, उसको ज्वाइन करें. और इस क्रैश कोर्स का जो आपको ये यूज करना है, क्या यूज करना है, प्रोमो कोड, आपको यूज करना है प्रोमो कोड आनंद लाइव, ताकि आप मुझसे लाइव पढ़ पाए प्लस प्लेटफॉर्म पे, और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो आपको प्रोमो कोड आनंद लाइव यूज करना है. चलो
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।